नवीन जोशी, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। तो हम डीसीएम पेपर जो मेजर पेपर है थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं, और पेपर में जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान और रिलेवेंट है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ रखे हैं। आप क्वेश्चंस को देखोगे तो पिछले 10 साल का जो एक तरह से निचोड़ जो है क्वेश्चंस में आ गया, जो फिजिकल इनऑर्गेनिक का, वो आपके सामने रखा हुआ है। कोई भी उससे ज़्यादा नहीं है ना कोई उससे कम है, उसी टाइप के उसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। ओके डियर, तो अपन वन बाई वन एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसमें क्या कंसेप्ट लगता है और किस तरह से उसी कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हर एक ऑप्शन आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और उस पर जो भी कंसेप्ट है या उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट वो भी आपको मैं बताऊंगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। पहला जो अपना क्वेश्चन है 51st नंबर, जो कि इनऑर्गेनिक का है, केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया है। क्वेश्चन है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी एटम इन सी सी सिंगल बॉन्ड ऑफ दिस मॉलिक्यूल। एक अणु दे रखा है, उसमें संकरण पूछा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ है, और किसका पूछा है? सी सिंगल बॉन्ड सी का पूछा हुआ है। ठीक है डियर, तो अपने को पता है कि जो संकरण है हाइब्रिडाइजेशन है, अपन इसमें निकालते हैं एक स्टेरिक नंबर नाम से ट्रिक लिखते हैं। स्टेरिक नंबर नाम से अपन लोग ट्रिक लिखते हैं, उस ट्रिक की हेल्प से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो मैं वही आपके सामने लिख रहा हूँ, स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर जिसका आप संकरण निकालना चाहते हो। और यदि स्टेरिक नंबर की वैल्यू 1 आती है तो अपन हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा नहीं करते हैं, यदि वैल्यू 2 आती है तो अपन बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन है, यदि 3 वैल्यू आती है स्टेरिक नंबर की तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन संकरण आता है, यदि 4 है तो sp3, यदि 5 है तो sp3, एक d का भी ऑर्बिटल आ जाएगा, इस तरह से चलता रहता है। चलो, हालांकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो मैक्सिमम 4 से ज़्यादा आएगा नहीं। अपन इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, तो कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन से कनेक्टेड, इससे एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, नेक्स्ट एक और कार्बन सिग्मा बॉन्ड उससे एक एच कनेक्टेड है, फिर डबल बॉन्ड सी, फिर इससे 2H और कनेक्टेड है। अब कार्बन में वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अपना जो सब्जेक्ट है जो चर्चा है इन दोनों कार्बन के बारे में चर्चा करनी, इनका हाइब्रिडाइजेशन अपने को डील करना। ओके डियर, तो मैं बात करता हूँ पहले इस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे। तो इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कौन सा? ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो दोनों कार्बन में अपन देखते हैं कि दोनों कार्बन में एक एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा इस केस में? 2। स्टेरिक नंबर 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp। तो पहला कार्बन sp संकरण रख रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है, जबकि दूसरा कार्बन जिसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड, एक दोनों का कॉमन ये वाला सिग्मा बॉन्ड और एक वाला, इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए और एक पाई बॉन्ड है तो पाई काउंट नहीं होता, तो इसमें क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा 3 स्टेरिक नंबर पर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp2, sp3 गलती से लिख दिया था, sp2। तो दूसरा कार्बन हो जाएगा sp2। तो अपना ऑप्शन देखते हैं, sp एंड sp2 वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तो 51st का अपना आंसर हो जाएगा थर्ड। चलो नेक्स्ट चलते हैं 52nd क्वेश्चन में। ये भी एमओटी क्वेश्चन, मतलब केमिकल बॉन्डिंग का ही क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग में एक तो VBT में क्वेश्चन या तो बॉन्ड पैरामीटर से पूछा जाता है या थोड़ा आसान करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन संकरण से पूछ लिया जाता है, और एमओटी क्वेश्चन फिक्स होता है कि उसमें पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो डिपेंड करता है किस फ्लेवर का मिलता है, और जनरली वो फिक्स चीज़ें हैं बॉन्ड वेरिएबल्स पे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब बंध लंबाई, बंध के जो चर हैं उन पे एक जनरली क्वेश्चन मिला करता है। तो मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आया हूँ उसमें एक आपको कॉन्फिगरेशन दे रखा है, जो आणविक कक्षक का आपको अभिविन्यास दे रखा है और द्विपरमाणविकरण को दे रखा है। तो इसे पूछा क्या गया है, द बॉन्ड ऑर्डर इज, इसमें पूछा गया है बंध की कोटि क्या होगी, बंध का ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर है बंध की कोटि, जो अपन फॉर्मूला लिखा करते हैं NB-NA/2। NB क्या है? जो BMO में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और NA क्या है? जो ABMO में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब B मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ABO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग को लिखने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीके, उसमें क्या चेंज होता है, स्टार लग दिया जाता है, जो भी एंटी बॉन्डिंग MO होता है उसमें स्टार बना रहता है। जैसे इस कॉन्फिगरेशन में आप देख सकते हैं इसमें सिग्मा स्टार लिखा है, तो सिग्मा स्टार होने से ABMO ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 2 इज ऑल्सो ABMO इलेक्ट्रॉन, लेकिन और किसी में स्टार नहीं है, इसमें स्टार नहीं है, इसका मतलब ये MO है, इसका स्टार नहीं है, मतलब BMO है, इन पे किसी पे स्टार नहीं है, तो ये भी BMO है, तो ये भी BMO हो गया, ये भी BMO हो गया, और ये भी सारे क्या है BMO, और ABMO सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल है, ये ABMO जिसका सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2, ये भी ABMO ही है।
ओके डियर, तो अपने को तो काउंट करना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो पावर में लिख रहे थे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बीएमओ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन ये रहे, दो इलेक्ट्रॉन फिर से बीएमओ ये रहे, चार छ आठ और दस, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए दस बीएमओ के, माइनस एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो ये रहे बस चार ही है, माइनस चार कर दिया, डिवाइड बाई टू करना ही है, सिक्स बाई टू दैट इज थ्री, इसमें टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया थ्री। वैसे भी अपना जो मॉलिक्यूल है वो डाइनाइट्रोजन एन टू का ही एमओ डायग्राम दे रखा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एक तरह से बोल सकते हैं एमओ डायग्राम की बजाय कॉन्फिगरेशन विन्यास दे रखा है, ओके डियर। और अपने को सबको पता है एन टू में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो थ्री होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया गया है, ओके डियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 52 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर थ्री, ओके डियर। चलो नेक्स्ट 53 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो एस ब्लॉक का है, आप बोल सकते हो केमिकल बॉन्डिंग का है, क्योंकि जो लैटिस एनर्जी इसमें पूछी गई है वो एस ब्लॉक में भी चर्चा की जाती है और वो केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाई जाती है, उसका कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको और फिर इस क्वेश्चन को डील कैसे करना वो सीखेंगे अपन, ठीक है डियर। तो पूछा हुआ है कि विच ऑफ द कंपाउंड हैज हायर लैटिस एनर्जी, हायर लैटिस एनर्जी फ्रॉम गिवन, जो भी ग्रुप दे रखा है प्रोस्पेक्टिवली, जो भी इसमें ग्रुप दे रखा है उसमें जो ज्यादा जालक ऊर्जा है लैटिस एनर्जी रखता है उसके बारे में चर्चा करनी, तो सबको बता देते हैं ये बहुत ही कॉमन फंडा है, लैटिस एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, मैं इक्वल टू नहीं लिखता, अलग इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की आती है, लेकिन अपन प्रोपोर्शनलिटी की चर्चा करते हैं, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, हालांकि आर को अपन ऐसे लिख सकते हैं आर वन प्लस आर टू, बीच की टोटल डिस्टेंस, क्यू वन कैटाइन का चार्ज है, क्यू टू एनायन का चार्ज है, R1 anion की रेडियस है, R2 cation की रेडियस है, जो भी आप anion cation कोई भी ले सकते हो, धनायन ऋणायन, तो एक धनायन का आवेश दूसरा ऋणायन का आवेश, धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या, ओके डियर। तो पहले इसमें भी मोर जो डोमिनेंट होता है मुख्य प्रभावी रूप से आवेश होता है, यदि आवेश सेम है Q1 into Q2 सेम है तो रेडियस पे जाओ, अदरवाइज रेडियस पे मत जाओ, आप चार्ज से करो, तो इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, तो इसमें कंसेप्ट क्या रहता है, रेडियस से ज्यादा डोमिनेंट होता है, ज्यादा प्रभावशाली होता है आवेश, और ये ज्यादातर जगहों पर देखने को मिलता है, ओके डियर। तो इसमें मैं क्या बोलूंगा अपन आवेश को, तो पहले इसमें के प्लस और सीएल माइनस है, तो वन इंटू वन विदाउट साइन काम करना होता है, बस अपने ऊपर मैग्नीट्यूड वाइज अपने कंपेयर करना है, रिलीज एनर्जी होती है सब में नेगेटिव होगी, इस पे मन हो गया आवेश, इसमें एम जी पे प्लस टू और ओ पे माइनस टू, इसमें आवेश कितना हो गया दो इंटू दो, तो इसका चार हो जाएगा, जबकि इसमें एक ही रहेगा, तो Q1 into Q2 इसमें ज्यादा है, पहले मैं चार्ज को देखूंगा, तो इसमें MgO हाईएस्ट में हो जाएगा दोनों पेयर में, मतलब दोनों आयनिक कंपाउंड में, LiF LiBr इसमें प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, तो Q1 into Q2 दोनों का सेम है, तो रेडियस में जाऊं, कैटाइन की रेडियस Li Li सेम है, लेकिन एक में Cl एक में Br है, सॉरी एक में F है और एक में Br है, तो जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी लैटिस कम हो जाएगी, तो इसमें LiF की ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है NaCl Mg3N2, Mg3N2 में Mg पे प्लस टू चार्ज है और N पे माइनस थ्री है, मल्टीप्लाई करो टोटल आ जाएगा टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स, Q1 इंटू Q2 छः आ गया, और जबकि इसमें प्लस वन इंटू माइनस वन दैट इज वन, ओके डियर अपन साइन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, तो इसमें ज़्यादा है तो इसमें ये वाला जो है वो ज़्यादा आ जाएगा, तो अपना आंसर जो बन रहा है MgO LiF एंड Mg3N2, तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसमें जो हाइएस्ट वाला पेयर अपने को सिलेक्ट करना है, हाईएस्ट वाला MgO पहले में हो गया, दूसरे में LiF हो गया और तीसरे में Mg3N2 हो गया, ओके डियर। चलो तो इसमें आंसर हो गया अपना फोर्थ, नेक्स्ट डील करते हैं 54th नंबर, द रिजल्टेंट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग। अब ये क्वेश्चन जो सिंपल सा आयनिक का क्वेश्चन, आप पिछले ईयर के पेपर को देखोगे तो उसमें क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो नॉर्मल सा वीक एसिड वीक बेस के सोल्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पिछले साल 2021 के पेपर की बात कर रहा हूँ, उससे पहले 20 में बात करो तो एसिड बेस मिक्सिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, उससे पहले बात करूँ तो उसमें एसिड बेस मिक्सिंग का पूछा हुआ है, तो इन जनरल इसमें एसिड बेस मिक्सिंग का क्वेश्चन जो है वो बड़ा कॉमन सा होता है नीट के पेपर में, तो एक क्वेश्चन वहां से आता है एक्चुअली, अब चाहे वो वीक एसिड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, किसी को ये एक मिक्सिंग का क्वेश्चन बनता है, मैंने दोनों स्ट्रॉन्ग रखे आपके सामने, एक HCl रखा है और दूसरा NaOH रखा है, जब भी मिक्सिंग का क्वेश्चन करता है दोनों स्ट्रॉन्ग है तो उसमें दो फॉर्मूले लिखते हैं अपन लोग, नेट एच प्लस या फिर ओ एच माइनस, जो भी ज्यादा रह रहा है, यदि दोनों एसिड है तो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपन वी वन प्लस वी टू, और यदि दोनों बेस है तो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपन वी वन, उसमें ओ एच माइनस आ जाएगा, यदि एक एसिड एक बेस है तो उसमें अपन क्या करते हैं एम वन वी वन डिफरेंस लेते हैं एम टू वी टू के साथ, डिवाइड बाई क्या कर देते हैं वी वन प्लस वी टू, ये एम वन
पहले वाले में जो एच प्लस की कंसेंट्रेशन है वो ले रहे हैं और ये OH माइनस की कंसेंट्रेशन ले रहे हैं। कुछ लोग N1 V1 भी लिखवाते हैं, पर मैं टोटल H प्लस OH माइनस कंसेंट्रेशन के साथ काम कर रहा हूँ। और यदि H प्लस ज्यादा है तो अल्टीमेटली H प्लस इज इक्वल टू आ जाएगा, और यदि OH माइनस ज्यादा है तो OH माइनस इज इक्वल टू आ जाएगा। इक्वल टू में क्या रखना है वो डिपेंड करता है कौन ज्यादा है। तो मेरे को नहीं पता ज्यादा कौन है, तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ। यदि पहले बात करूँ अपना HCl जो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल है, इसका क्या लिया गया है pH बराबर 2 का। pH बराबर 2 का मतलब H प्लस जो है वो 10 की पावर माइनस 2 आ चुका है और इसका लिया 200 ml, 10 की पावर माइनस 2 का 200 ml। अब मैं बात करता हूँ NaOH के अंदर, जो NaOH है इसका जो pH लिया गया है वो pH 12 लिया गया है, पर मुझे तो इसमें बेस है तो OH माइनस से बात करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का मिक्सिंग का क्वेश्चन है। तो pOH आ जाएगा इसका 2 और pOH से जो OH माइनस की कंसेंट्रेशन है डियर वो आ जाएगी 10^-2। वो कितनी आ जाएगी 10^-2, और इसका वॉल्यूम भी 200 ml ही है। वैसे बहुत प्यारी गलती करते हैं बच्चे, वो तुमने इनकी होगी पक्की बात है, समझते हैं क्या गलती करती है। तो इसमें देखते हैं डिफरेंस लेते हैं। तो M1 V1 कितना आया 10^-2 × 200 H प्लस, डिफरेंस करना तो हायर माइनस लोअर ही करना है, 10^-2 × 200 डिवाइड बाई V1+V2 400। आप इसमें क्या देखोगे, ये जो वैल्यू आ रही है वो जीरो आ रही है। ये जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है, बच्चा क्या कंफ्यूज होता है। बच्चा सोचता है इसमें जो वैल्यू जीरो आ गई तो pH इसका मतलब जीरो, और मैंने फोर्थ ऑप्शन जीरो रखा है ताकि बच्चा यहाँ गलत हो और गलती को दोहराए ना मेन एग्जाम में। लेकिन अपन लोग यदि सोचें इस क्वेश्चन में जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, अपन ने जो फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला लगाया है कि जो एक्सटर्नल एजेंट के H प्लस या जो OH माइनस है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार जो बाहर से मिलाए गए, वहां से आने वाले जो H प्लस या OH माइनस जो रह जाएंगे पानी में उसकी बात की है। और यदि वो नहीं बचे, वो एक दूसरे को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, तो नेट ना तो H प्लस बचेगा ना ही OH माइनस बचेगा, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। और क्योंकि दोनों ही प्रबल अम्ल क्षार है तो यहाँ पर जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस भी नहीं होगा, तो जैसी थी pH वैसी रह जाएगी, मतलब अल्टीमेटली इसमें सारा NaCl बन रहा है तो pH जो थी मेंटेन रह जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि ना तो नेट H प्लस बचा है प्रबल का और ना ही OH माइनस बचा है प्रबल का, तो इस प्रबल क्षार का, तो इसका मतलब इसकी pH में कोई चेंज नहीं होगा, जो 7 pH पानी की मेंटेन थी वैसी रह जाएगी। ओके डियर, तो आंसर विल बी 7 न्यूट्रल, ये न्यूट्रलाइज हो चुका है, एक्चुअली उदासीनीकृत हो चुका है, और ये बच्चे इसमें गलती करते भी हैं। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 54-55 पे आ रहे हैं। 55 क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमैग्नेटिक। सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से इन जनरल जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक संकुल एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको, या तो इसका IUPAC नेम या आइसोमेरिज्म, इसके हालांकि कम बनते हैं, वो मेंस में थोड़े बना करते हैं। यहाँ पर क्या जनरली चर्चा, या तो संकरण या ज्यामिति या चुंबकीय गुण या इस तरह के प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय व्यवहार पूछ लिया गया, आंतरिक संकुल या बाह्य संकुल, इस तरह के क्वेश्चन बना करते हैं। तो वापस इसी पे जब आप इतना ड्रॉ करोगे, इसके चुंबकीय गुण तक जाओगे, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक तक जाओगे, तो सारी कैलकुलेशन आपके सामने हो भी जाएगी। देखना, तो मैं पहला मॉलिक्यूल पिक कर रहा हूँ, K4Fe CN6। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें Fe जो है वो प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। X इसका प्लस 4 हो जाएगा 4 पोटेशियम का, प्लस X माइनस 6 इज टू 0, तो X कितना आ जाएगा प्लस का 2। अब मैं क्या करता हूँ, Fe प्लस 2 का कॉन्फिग्रेशन ड्रॉ करता हूँ, जो कि आर्गन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। S के इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3d6 जो थे मेंटेन रहे, और 4s 0 हो जाएगा, 4p में भी कुछ नहीं है, 0 है, 4d भी 0, लेकिन हालांकि उससे कोई लेना देना अपने को नहीं है। मैं d6 को ड्रॉ कर रहा हूँ, d6 में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और ये 6th इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनना कि अब डिपेंडेंसी लिगेंड पे, ये CN माइनस लिगेंड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड में से एक है, इसका मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाएगा। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देगा, इनके साथ पेयर करवा देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जैसे ये पेयरिंग होगी, तो कुछ इस तरह का कॉन्फिग्रेशन दिख रहा होगा। तो ये तो पहले से पेयर्ड था, ठीक है, ये अनपेयर्ड थे, जो कि ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन से क्या हो चुके हैं, अब पेयर हो चुके हैं। अब इसकी वजह से आप नोटिस क्या करोगे, यहाँ पर ये दो डी खाली पड़े हैं, लेकिन अपने को तो मुद्दा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो पहला आ गया डायमैग्नेटिक। सेकंड वाले पे डीलिंग करते हैं। सेकंड क्या है, K3CrCN6 है, K3CrCN6।
इसमें आप क्या देखोगे, सी आर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, और प्लस थ्री में कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं आर्गन 4s1 होता है, इलेक्ट्रॉन वहां से जाएगा, और 3d5 होता है, एक्सेप्शनल केस होता है, तो 3d5 के दो इलेक्ट्रॉन और जाएंगे, टोटल तीन भेजने अपने को, तो इसमें तीन बच जाएगा। ओके डियर, तो अब इसको ड्रॉ करते हैं कॉन्फिग्रेशन को। तो डी में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन पड़े, और इसमें वैसे लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दो डी वैसे ही खाली पड़े हैं d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। लेकिन मुद्दे की बात ये इलेक्ट्रॉन तो अनपेड रह गए, तो इसका मतलब ये भी ये डायमैग्नेट नहीं होगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, बोले तो अनुचुंबकीय हो जाएगा। ओके जी, और ये डाय का मतलब प्रतिचुंबकीय हो जाएगा जी। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे बात करते हैं डियर, थर्ड अणु पे बात कर रहे हैं, तीसरे कॉम्प्लेक्स पे बात कर रहे हैं, K3COCN6 है। देखो सिंपल से कंफ्यूजिंग नहीं किया, इस तरह से अपन ने सारे जो लिगेंड दिए जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, इसी तरह के लिगेंड दिए, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगी नहीं हुई, और इसी तरह के एग्जाम में देते हैं, एग्जाम वाला चाहता है आपके आंसर आए, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ओके डियर, चलो तो इसमें कोबाल्ट जो है प्लस थ्री में है, और कोबाल्ट जस्ट आयरन के बाद आता है, तो ये हो जाएगा इसका कॉन्फिग्रेशन आर्गन, पहले 3d नहीं लिखना चाहिए, मेरे को आर्गन लिखना चाहिए, पूरे कॉन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ आर्गन 3d, इसका वैसे 8 होता है और तीन इलेक्ट्रॉन s के दो गए, एक यहाँ से जाएगा, सॉरी 3d7 होता है क्योंकि इसका 27 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, तो ये ए दो s के गए, एक इसका गया, तो 3d6 बच जाएगा। तो इसमें तो सेम ही सिचुएशन बन गई आयरन वाली, इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन और ये छह इलेक्ट्रॉन, सेम सिचुएशन है, ये पेयर होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर होगा इसके साथ और ये वाला पेयर हो जाएगा इसके साथ, तो ये जैसे पेयर होगा तो ये दोनों खाली हो जाएंगे, एक दो तीन चार पांच, और ये पहले से पेयर था, ये दो अब पेयर हो चुके हैं, ये दो खाली बच गए, अल्टीमेटली सारे पेयर हो चुके हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक बोले तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा बेटा जी, तो ये भी क्या आ चुका है प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट देखो लास्ट फोर्थ वाला चेक कर रहा हूँ मैं, हालांकि मेरे पास अगला पेज खाली पड़ा है लेकिन ये सारा मॉलिक्यूल यहाँ पड़े तो मैं अगले पेज पर नहीं आ रहा, यहीं पर काम कर रहा हूँ। K2NiCN4, इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे Ni की, तो प्लस टू आनी चाहिए और प्लस टू Ni वैसे कॉपर से जस्ट 28 पे होता है, दो इलेक्ट्रॉन गए, तो इसका कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन, Ni प्लस टू का लिख रहा हूँ मैं, तो Ni प्लस टू यहाँ लिख देता हूँ आर्गन, और D कितना हो जाएगा 8, 3d8 हो जाएगा। अब 3d8 किस तरह, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये CN बराबर 4 का है, समन्वय संख्या 4 का है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है, तो इसमें D एक खाली चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यदि प्रबल लिगेंड एक ही खाली करवाना चाहिए, यदि हो सकता है तो देखते हैं, तो D8 कैसे होगा देख लेते हैं, ये हो गया D8। ओके डियर, अब यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसको पेयर करवा देगा और एक ही D इसको खाली चाहिए ताकि DSP2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बच गए ये एक, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसी सारे पेयर हो चुके हैं, तो ये भी प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो आपके डायमैग्नेटिक कौन कौन आया है, फर्स्ट आ गया, सेकंड नहीं आया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आंसर विल बी सेकंड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी माथा बची है, लेकिन आपके मतलब मैंने इतना सोल्व किया, आपको इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं, फटाफट कॉन्फिग्रेशन दिमाग में रहते ही आदमी फिर फटाफट डब्बे ही बनाने होते हैं, सही बात तो ये है, ठीक है डियर। चलो मुझे तो एक्सप्लेन करना था, हर एक बात बतानी पड़ेगी आपको डियर। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू 14th एलिमेंट, 14th ग्रुप एलिमेंट। तो इसमें भी सिंपल सा है, 14th ग्रुप के जो एलिमेंट है उनके लिए क्या सही बात है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा क्या चर्चा हुई है, ये बोला PbX4 इज मोर स्टेबल देन SiX4, मतलब चर्चा कहीं ना कहीं इनर्ट पेयर इफेक्ट से स्टार्ट हुई है, क्योंकि स्टेबिलिटी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो होती है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट से जस्टिफाई होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट हम लोग लिखाते हैं, ये 14th ग्रुप में चर्चा हो रही है क्योंकि सामने वाले बोल दिया काशी गए शंकर प्रभु, ये अपनी ट्रिक होती है, और यदि मैं कंपेरिजन करता हूँ प्लस टू, कंपेरिजन करता हूँ प्लस टू, मैं एक बार लिखता हूँ प्लस टू, बार बार नहीं लिखना पड़े, ऊपर एक बार टॉप पे लिखता हूँ, ये प्लस टू का कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है डियर, ये प्लस टू का कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं, और फिर काशी गए शंकर प्रभु, इसमें ये फंडा बता रहा था कि आपको दिक्कत ना आए, इनमें तो होती है प्लस फोर की ज़्यादा स्टेबिलिटी, लेकिन इनमें होती है प्लस टू की स्टेबिलिटी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब PB प्लस टू ज़्यादा स्टेबल है PB प्लस फोर से, बताएगी ये SN प्लस फोर ज़्यादा स्टेबल क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है इसमें PB के अंदर। ओके डियर, तो उस इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण वो इलेक्ट्रॉन आगे जा नहीं पाता, वहीं अनपेयर्ड पड़ा रहता है, वो पेयर्ड पड़ा रहता है,
ठीक है डियर, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाता है जो भी। तो पी बी एक्स फोर इज मोर स्टेबल, नहीं पी बी प्लस फोर में स्टेबल नहीं भाई साहब, गलत स्टेटमेंट है। पी बी एक्स टू इज मोर स्टेबल, सही बात है, पी प्लस टू ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू, हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब यदि इनका भी कंपेरिजन किया जाए तो एस एन प्लस फोर ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू पी प्लस फोर, और प्लस टू में कंपेरिजन किया जाए पी प्लस टू ज्यादा स्टेबल है, तो सही ऑप्शन जो अपना सेकेंड हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड। ओके डियर, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं 57th नंबर क्वेश्चन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। हाँ अपन कहाँ पढ़ते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, दो जगह पढ़ते हैं, एक तो डी ब्लॉक में और एक इंटरस्टिशियल हाइड्राइड पढ़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन डी ब्लॉक का है सच। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो अंतर्काशी यौगिक होते हैं वो, इसमें छोटा सा मैं समझा लेता हूँ ताकि ये क्वेश्चन अपना आसानी से कर पाए, हर एक का कंसेप्ट समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें फायदा हो, एक्चुअली इस वीडियो देखने का कुछ वर्थ हो, केवल सोल्यूशन हो कुछ वर्थ हो, अच्छा तुम्हें फील हो गया हाँ हमने कुछ सीखा इस वीडियो को देख के। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरस्टिशियल जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, बीच में स्पेस खाली पड़ा होता है, इंटरस्टिशियल जगह खाली रहती है, और उस पर एच बी एन सी जो है, एच बी एन सी ये जो एटम है छोटे साइज के होते हैं, वहां जाकर ट्रैप हो जाते हैं उस इंटरस्टिशियल अंतर्काशीय जगह पर, इसलिए उनको अंतर्काशीय अणु बोला जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड या नॉन स्टोइकियोमेट्री, और समीकरणमिति यौगिक भी कहा जाता है, जो कि काफी हार्ड हो जाते हैं, इवन कुछ बोराइड तो डायमंड के कंपेयर में इक्विवेलेंट में हार्ड हो जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है लेकिन कंडक्टिविटी मेंटेन रहती है, कुछ इनर्टनेस आ जाती है, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इसके अंदर अपन डील करते हैं। ठीक है डियर, कुछ पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, कुछ चर्चाएं हैं। ओके डियर, तो इसमें देखो दे हैव मेल्टिंग पॉइंट, हाँ हाई मेल्टिंग पॉइंट सही बात है, इसने सही पूछा गलत पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है, दे आर वेरी हार्ड सही बात है, दे आर रिटेन मेटलिक कनेक्टेड सही बात है, दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव, नहीं नहीं लेस रिएक्टिव, तो गलत स्टेटमेंट है फोर्थ, अपना करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट चलते हैं 58 की तरफ, 58th क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अब मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में क्या है, इंक्रीजिंग आयनिक साइज, अच्छा आयनिक एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का, और पीरियोडिक टेबल में इसमें कोशिश की गई है मैक्सिमम जितनी भी प्रॉपर्टी कवर कर की जाए वो की हुई है, और इन प्रॉपर्टीज में से ही क्वेश्चन रेडियस हो गया या आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया या एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इसी तरह का क्वेश्चन बनता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिगुरेशन का क्वेश्चन बनता है। इवन लास्ट वाले जो क्वेश्चन आया था उसमें तो नेम दे रखे थे जो अपन लिखते हैं 100 के बाद वाले में, जो वो अनिल नीलियम जो भी अपन लिखते हैं 1 2 3 को, 0 1 2 3 9 तक को जो काउंटिंग करते हैं, पिछली बार वो क्वेश्चन था, तो उनकी नेमिंग के अकॉर्डिंग मैचिंग करना था, लेकिन इस बार मैचिंग मैंने प्रॉपर्टीज का दे दिया, क्योंकि संभावना यदि वो नेमिंग पूछ लिया है तो अब संभावना है प्रॉपर्टी बात करने की। ओके डियर, चलो तो पहली बात इसमें इंक्रीजिंग आयनिक साइज, आयनिक त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम देख लेते हैं, एल्यूमिनियम प्लस 3, इसमें देखो सारे 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉनिक इक्वल इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, ये सारे सम इलेक्ट्रॉनिक है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन डिफरेंट है, इसमें 13 प्रोटॉन है, इसमें 12 प्रोटॉन है, इसमें 11 प्रोटॉन है, जबकि इसमें 9 प्रोटॉन है, जिसमें प्रोटॉन सबसे ज्यादा है, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तो इस पोजीशन इसकी रेडियस कम हो जाएगी और इसकी रेडियस ज्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियस बात है सही है ऑर्डर। नेक्स्ट है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन बोरोन लिया है, कार्बन लिया है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, वैसे अपने बताया कि लेफ्ट टू राइट जाते तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन एक्सेप्शन आता है 15 एंड 16 में क्या एक्सेप्शन आता है और क्यों आता है, 15 एंड 16 में क्या एक्सेप्शन आता है कि जो ये P3 कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन की आ जाती है, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर स्वैप होना चाहिए था, तो ये गलत है, तो इसने पूछा कौन सा इसके अनुसार नहीं है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ। ठीक है डियर, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो नेगेटिव के कंपैरिजन करना आपको नेगेटिव वैल्यू के साथ ही, मतलब नेगेटिव को लेते हैं इंक्लूड, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इसमें रिलीज होती है, नेगेटिव सबसे ज़्यादा इसमें आ जाएगी, और ये भी एक्सेप्शनल केस है, तो बेसिकली हाँ लाइक फ्लोरीन को होना चाहिए लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है, इस वजह से फ्लोरीन जो है वो कम रह जाता है, क्लोरीन आगे जाता है, इसलिए पीरियोडिक टेबल हाईएस्ट इजी वाला एलिमेंट ही क्लोरीन हो जाता है। ओके डियर, तो ये करेक्ट है, और इंक्रीजिंग मेटलिक रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस इंक्रीज होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं डियर। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट जो अपना ऑप्शन है वो सेकंड बेटर है, तो सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 59 पे आते हैं डियर, द टोटल टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर 1 मोल, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्यूशन का है, और सॉल्यूशन के क्वेश्चन में पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आइडियल नॉन आइडियल का पूछा गया था,
उसी क्वेश्चन को एक नए फॉर्मेट में आपके सामने रखा गया है और पिछले 3-4 सालों से इसी टाइप के क्वेश्चन बने जा रहे हैं, या तो इसका या वांट ऑफ फैक्टर का, दो टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो अपन ने वेपर प्रेशर पे काम किया है पहले, तो वेपर प्रेशर में इसमें बोला गया है कि पहले का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ये है, दूसरे का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ये है, और पहले के मोल फ्रैक्शन ये, सॉरी मोल ये, दूसरे के मोल ये है, और जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर ये। मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, बस मुझे क्वेश्चन समझाने की जरूरत है। तो जो गिवन वेपर प्रेशर है, जो दिया गया वेपर प्रेशर, वो पी प्रैक्टिकल है, क्योंकि थियोरेटिकल तो आप राउल्ट के लॉ से निकाल सकते हो, जो सैद्धांतिक अपन पी नॉट एक्स है प्लस पी नॉट बी एक्स बी से कैलकुलेट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब अपने को जो गिवन डेटा है वो प्रैक्टिकल डेटा गिवन है। तो क्या बोलूंगा, जो पी एस प्रैक्टिकल है वो गिवन है 90 mm ऑफ एच जी। ओके डियर, चलो नेक्स्ट अपन, ये प्रैक्टिकल गिवन है। ओके डियर, पी एस थियोरिटिकल अपने को पता है कैसे निकलेगा, पी नॉट एक्स है, पी नॉट एक्स कितना देता है 100, एक्स से क्या है उसके मोल अपॉन टोटल मोल 4, प्लस एक्स बी क्या है उसके मोल पी नॉट बी एक्स बी, तो पी नॉट बी 80 हो गया, उसके मोल फ्रैक्शन उसके मोल कितने हैं 3 अपॉन टोटल मोल 4 है, तो ये आ जाएगा 125 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 6 2 8, ये 85, तो मतलब 85 mm एच सी। तो आप इसमें ऑब्जर्व क्या करोगे, जो प्रैक्टिकल है पी सॉल्यूशन जो प्रैक्टिकल है वो है 90, मतलब वो ज्यादा है, पी एस प्रैक्टिकल ज्यादा इज कम्पेयर टू पी एस थियोरटिकल से। इसका मतलब ये भाई साहब कि पॉजिटिव डिविजन का दिखा रहे, क्योंकि हमने पता है प्रैक्टिकली भी ज्यादा आ गया, तो इसका इंटरेक्शन जो है, अट्रैक्शन जो है वो कमजोर हो चुका है सॉलिड सॉल्वेंट में, ए बी में। सिंपल सी बात है ना, वो जो अट्रैक्शन लग रहा था आप सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स उसमें कम रह रहा है, तब ज्यादा वेपर बनाएगा, अट्रैक्शन कम होता है वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा वेपर प्रेशर कम होगा, तो इसमें अट्रैक्शन कम कमजोर पड़ गया तो इसलिए वेपर प्रेशर ज्यादा आ गया, पॉजिटिव डिविजन। ओके ठीक है, अपन वन बाई वन पढ़ते हैं आपके ऑप्शन को। देर इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, ओके डियर, तो इसके लिए पॉजिटिव डेविएशन सही बात है। बॉइलिंग पॉइंट हैज बीन लोवर्ड, अब सुनना इसका मतलब क्या है। देखो अपन यदि आइडियल सॉल्यूशन होता तो एक्सपेक्टेड आइडियल के अकॉर्डिंग अपना जैसे पी एस थियोरटिकल है उसके अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट थियोरटिकल भी कुछ एक्सपेक्टेड किया होगा अपन ने, और जो प्रैक्टिकल बॉइलिंग पॉइंट है वो तो प्रैक्टिकली है ना भाई साहब, वो लैब के अंदर अपन ने जाके चेक किया होगा, तो वेपर प्रेशर प्रैक्टिकली यदि कम आ गया है, सॉरी वेपर प्रेशर यदि प्रैक्टिकली ज्यादा आ गया है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा इसका कम, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स का रिलेशन होता है, इसका मतलब विषमानुपाती का संबंध होता है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए एज कम्पेयर टू। ओके डियर, तो क्वथनांक में अवनमन है, कमी है, लोअर्ड होगा, बिल्कुल सही बात है, वेपर प्रेशर बढ़ चुका है, तो दोनों सही हो चुके हैं। थर्ड पे आते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए एंड बी मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर बन चुका है, इसका मतलब कुछ इस तरह से चर्चा की जा रही है, अपन सब नोट्स में लिखते भी हैं, एनसीईआरटी में भी इस तरह से चर्चा कर रही है और ए बी के बीच में, तो ये जो सॉल्यूशन के बॉन्ड है वो कमजोर हुए होंगे, विश बात है, देखते ऑप्शन में क्या है, फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज स्मॉलर देन बिटवीन ए ए एंड बी बी, बिल्कुल सही बात है, ये फोर्स जो है थोड़ा वीकर हो गया, स्मॉलर हो गया, कमजोर हो गया एज कम्पेयर टू ए ए एंड बी बी के बीच, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द वो बिल्कुल सही बात, अपना फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 60th नंबर क्वेश्चन में, तो 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसका है, द क्रिस्टल लैटिस ऑफ ए कंपाउंड विद दिस यूनिट, ओके क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस बोले तो सॉलिड स्टेट, तो सुनना पिछले साल सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन जो आया था उसमें आपको याद हो तो बीसीसी कितने क्रिस्टल ब्रेविज लेटिस बनते हैं वो क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो टेबल पर पहुंच चुके हैं, उस टेबल के बारे में जानना चाहते हैं, एनसीईआरटी में कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ है ना, पेज नंबर ऊपर वाला से लेकर नीचे वाला पेज नंबर तक कुछ भी लिखा हुआ है उसके बीच में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। आप ये सोचो आज से पहले कभी टेबल पर लेटिस ब्रावियज लेटिस में कभी क्वेश्चन नहीं आया था, जबकि मेंस में पिछले 5 सालों में 2-3 बार आ चुका है, तो कहीं ना कहीं नीट मेंस को फॉलो तो करता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसी टेबल से बना हुआ है और मैंने भी क्वेश्चन वहीं से रखा है, थोड़ा सा सिंपल किया है बस, पर रिक्वेस्ट है इस टेबल को याद करें जो ब्रावियज लेटिस की बनी रहती है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा क्रिस्टल लेटिस फॉर्म हुआ होगा जब ए बी और सी है और अल्फा बीटा गामा एंगल ये है, तो ए बी पॉइंट 387 वो भी बी है लेकिन नॉट इक्वल्स टू सी है, ओके डियर, और अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा दैट इज 90 और गामा जो है 120, आप सबको पता है 120 एंगल सिर्फ एक ही जगह आता है, एससीपी में आता है, और जो लेंथ होती है जो हेक्सागन बनता है उसकी लेंथ तो आती है इक्वल, ये जो लेंथ है और हेक्सागन की लेंथ तो आती है इक्वल, लेकिन जो बीच की डिस्टेंस होती है सी ये आती है अलग अलग। एंगल की बात करूँ तो एंगल जो है ये इनका आपस में 90 हो जाता है, आगे बात समझ में, एंगल तो 90 हो जाता है एक्स और वाई एक्सिस के साथ,
लेकिन ये वाला जो एंगल है वो 120 हो जाता है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है 120, तो एस सी पी हेक्सागोनल क्रॉस पेगिंग और हेक्सागोनल बनता है इसमें, तो इस टेबल से सिंप्लीफाइड आप ऑर्थोरोम्बिक पूछ सकते हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये टेबल याद करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं 61 क्वेश्चन पे। 61 क्वेश्चन, ए साइक्लिक प्रोसेस डायग्राम वर्क डन, मतलब क्वेश्चन सीधी सी बात है थर्मोडायनेमिक्स का है। थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन इन जनरली वर्क से पूछा जाता है, लेकिन सिंपल सा। और या तो अब जैसे पिछली बार की बात करें या इससे पहले की बात करें, तो जब साइन के बारे में डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बना करते हैं। ओके डियर, कोई हार्ड क्वेश्चन, बहुत अजीब सा क्वेश्चन, रिवर्सिबल किया, ये किया, वो किया, ऐसा नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन अपने सामने कि एक ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग वर्क डन पूछा है ड्यूरिंग आइसोबारिक एक्सपेंशन। जिस जिस बच्चे ने इस लाइन पर ध्यान नहीं दिया उसका आंसर गलत आया होगा कि उसने पूरा एरिया निकाला है। इसने पूछा है केवल आइसोबारिक, जो समदाबीय प्रसार है उसके लिए, और समदाबीय प्रसार ए से बी तक हो रहा है, ए से बी की जो लाइन है वो क्या है, समदाबी प्रसार के लिए हो रही है, तो इसके नीचे वाला जो एरिया आएगा वो एक्चुअली अपना आंसर है। तो ए से बी की बात करें तो ए से बी के नीचे वाला ये एरिया नहीं है क्या भाई जी? ए से बी के नीचे वाला ये एरिया अपना आंसर की तरफ होगा। तो इसके नीचे एरिया क्या होगा, तो कोई भी एरिया क्या होता है उसकी आधार इंटू ऊंचाई, ये होता, हम तो ये पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम का आदमी है, आधार इंटू ऊंचाई। इसका आधार कितना है, एक से स्टार्ट हुआ 3 तक चला, तो 2 आ गया आधार। अब विमाओं का ध्यान रखना, और हाइट कितनी आ जाएगी, ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 0 से स्टार्ट हुआ और 2 इंटरनल्स पर 2 तक चला गया। विमाओं का ध्यान रखो, यूनिट का ध्यान रखो, क्योंकि एक्सपेंशन वर्क डन नेगेटिव आएगा, और एरिया क्या आ गया इसका, आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है इसका 2 मीटर क्यूब लिख रहा हूँ मैं, और इसकी हाइट कितनी है 2 इंटरनल्स पावर 2, ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छी बात ये है कि ये भी एक ऐसा यूनिट है, ये भी एक ऐसा यूनिट है, तो इससे जो फाइनल आंसर है वो ऐसा यूनिट में ही आएगा। ऑब्वियसली बात है, जूल लिख देता हूँ, दोनों ऐसे यूनिट है, तो फाइनली वर्क की जूल ऐसे यूनिट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 200, ये हो गया और ये 2 हो गया, तो 400 हो जाएगा, और ऐसा यूनिट है तो फाइनल एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होती है, तो जूल में कन्वर्ट करके मैंने लिख दिया, तो थर्ड आंसर अपना करेक्ट होगा -400 जूल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बच्चा गलती करता बस ये नहीं पढ़ता, तो हो सकता है मैं भी, कुछ बच्चों ने गलती की है, बताना कमेंट करके किसने इसमें ये गलती की है। ओके डियर, और वो वाला बताना किसने एसिड बेस वाला गलत किया है कि सर इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, 0 pH करके आ गया। ठीक है, इससे अच्छा लगता है, हाँ अपन ने कुछ सीखा है, हमने कुछ गलतियां की है, भाई गलतियां यहाँ कर लो भाई साहब, वहां मत करना, इसलिए गलतियां सारी यहाँ करवाई जा रही है। नेक्स्ट है, ए सॉल्यूशन दिस वाटर इलेक्ट्रोलाइज्ड, इलेक्ट्रोलाइज मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब विद्युत अपघटनी सेल में बात हो रही है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है। आप देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन या तो कनेक्टिविटी वाले साइड से एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, या इस साइड से पिछली बार का क्वेश्चन इस तरह से बना था कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया था एनोड और कैथोड पे क्या बनेगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है आप देखो, और या रिएक्टिविटी का सिंपल सा क्वेश्चन, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन बना करते हैं, बड़ी सिंपल और बेसिक लेवल के। और उसी में से एक क्वेश्चन अपने सामने रखा गया है कि जब Na2SO4 है उसका अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो Na2SO4 जैसे ही पानी में एक्वस में जलीय माध्यम में होगा तो क्या देगा, 2Na+ SO4-2, ये पानी में जाने के बाद इस तरह से। अब बात आती है कि एनोड और कैथोड पे, पहले किसने पूछा इसमें, कैथोड पे, तो जैसा पूछा जाता है ना वैसे ही काम किया करो हमेशा, कैथोड पूछा जाता है पहले कैथोड पे काम करो। ओके डियर, तो कैथोड पे होता है रिडक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। कैथोड पे उसका रिडक्शन होगा जिसका आरपी ज्यादा है, और एनोड पे उसका ऑक्सीडेशन होगा जिसका ओपी ज्यादा है। ओके डियर, हालांकि इसमें एज अ रिजल्ट बच्चे याद भी रखते हैं, इसको समझाया भी जा सकता है, क्योंकि इसका समझाने का तरीका क्या है, जिसका एनोड पे ओपी ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन, कैथोड पे जिसका आरपी ज्यादा उसका रिडक्शन। और सिर्फ पानी का ओपी और आरपी आपको याद होना चाहिए, उसके रिलेटिव में थोड़ा बहुत वैल्यू आपको आइडिया होना चाहिए कि दूसरे एलिमेंट का क्या है, वो पानी से ऊपर और नीचे कितना है, थोड़ा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए ताकि आप सही आंसर तक पहुंच पाओ। तो मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, मैं वो याद किए वाला नहीं बता रहा आपको। कैथोड पे 2 पॉसिबिलिटी, कैथोड पे रिड्यूस होने के लिए कौन जाएगा, कैटाइन ही जा सकता है, रिड्यूस वही हो सकता है, इसके पास पहले से -2 क्यों जाए कैथोड के रिड्यूस होने के लिए, चलो तो Na+ रिड्यूस होने के लिए जाना चाहता है। एक तो पॉसिबिलिटी Na+ इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाए, सोडियम बनाए, लेकिन पानी है एक्वस से पानी की पॉसिबिलिटी आएगी, H2O भी रिड्यूस हो सकता है, H2 दो इलेक्ट्रॉन लेता है और H2 H+H0 में कन्वर्ट होता है, और साथ में 2H- बेसिक मीडियम में OH- प्रोड्यूस। इसके जो वैल्यू होती है माइनस का 0.83 होती है इसका जो आरपी होता है, और इसका आपको पता है कि यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए ऊपर काफी ऊपर होता है,
माइनस टू पॉइंट समथिंग होता है, तो जिसका वैल्यू ज्यादा है आरपी का वो कैथोड पे रिड्यूस होगा, तो अपने पता है पानी ज्यादा है तो कैथोड पे पानी रिड्यूस हो जाएगा। अब बात करते हैं एनोड के लिए, डियर एनोड पे ऑक्सीडेशन। अब एक तो रेस में एसओ फोर माइनस टू है, एसओ फोर माइनस टू ऑक्सीडाइज होता है, इसके दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, दो अणु शामिल होते हैं और वो एस टू ओ एट माइनस टू बनाते हैं, एस टू ओ एट माइनस टू जो कि एच टू एस टू ओ एट का फॉर्मेट है, जिसको अपन पर डाइसल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ये पर डाइसल्फेट आयन बन जाएगा। अब इसमें क्या है, साथ में क्या बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यदि पानी ऑक्सीडाइज हो जाए, दो पानी के मॉलिक्यूल, तो इसमें बनते हैं फोर एच प्लस प्लस ओ टू प्लस फोर इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग के लिए। ठीक है डियर, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए माइनस का 1.3 और इसका माइनस का 2 पॉइंट समथिंग होता है, एक्चुअली इसका भी एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं है, बस ये माइनस टू वन में इतना पता है। तो ओपी एनोड पे किसकी ज्यादा आ गई, पानी की आ गई, तो पानी का ही ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पे दो टू और कैथोड पे एच टू इवॉल्व नहीं होगी क्या, तो कैथोड पे एच टू एनोड पे ओ टू, तो आंसर हो जाएगा अपना थर्ड। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एज ए रिजल्ट याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो एज ए आपको ये पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया है। क्योंकि अब ये सर एनसीईआरटी का तो पीछे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, उसमें है पीछे एग्जाम में आ रखे हैं ये, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे, तो वहीं से दिया हुआ क्वेश्चन है डियर। ओके डियर, चलो नेक्स्ट बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। बीओडी के बारे में बात किया, और बीओडी जो अपन पढ़ते हैं वो वाटर के पॉल्यूशन पढ़ते हैं, वाटर पॉल्यूटेड है या नहीं इसका पता चलता है कि यदि बीओडी का मान ज्यादा है, ज्यादा मतलब 5 वगैरह से जो भी एक वैल्यू अपन फिक्स कर रखी है, इसका मतलब उससे यदि ज्यादा है तो इसका मतलब साफ है कि उसमें इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज आता है, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन की डिमांड है उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया के द्वारा, तो इसका मतलब इसमें बीओडी ज्यादा तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा, इंप्योरिटी ज्यादा तो ऑर्गेनिक इंप्योरिटी ज्यादा। ठीक है, तो बोलता है बीओडी की वैल्यू ज्यादा है और इम्प्योर है, नॉट नहीं पॉल्यूटेड है, हाई पॉल्यूटेड, वेरी गुड, सही बात है, लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के साथ है, पॉल्यूटेड पेस्टिसाइड नहीं, कीटनाशकों के साथ नहीं है, बट हाई मस्ट पॉल्यूटेड, सही बात है, ऑर्गेनिक केमिकल्स, बिल्कुल सही बात है, जो कि ऑर्गेनिक केमिकल के साथ पॉल्यूटेड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करेगा, इसको डिकम्पोज करने ऑक्सीजन की डिमांड रखता है। ओके, तो इसमें फोर्थ आंसर अपना करेक्ट होगा, जो कार्बनिक रस है ना, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन यदि आसान है तो गलती भी आसानी से होगी, क्वेश्चन यदि हार्ड है तो गलती हार्डली होगी, आगे बस बहुत कम चांस है, क्वेश्चन आसान जल्दी जल्दी बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से एकदम तसल्ली से अपन बात करें ना तो सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो 63 में अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। 64th पे आते हैं, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड फॉर मेटलर्जिक प्रोसेस अरवा। अब मेटलर्जिक प्रोसेस मतलब कोई धातु क्रम का क्रम दे रखा है, अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है मेटलर्जिक प्रोसेस, मेटल सल्फाइड है उसको कन्वर्ट किया कुछ एक्स प्रोसेस लगा ले मेटल ऑक्साइड, मतलब मेटल का सल्फाइड था मतलब आपके पास ओर था, उस ओर को आपने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। ठीक है भाई जी, फिर उससे क्या किया, इम्प्योर मेटल मतलब ऑक्साइड को इम्प्योर मेटल मतलब रिड्यूस किया आपने, मतलब कोई भी काम किया रिड्यूस किया, और उस इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल, तुम्हें पता है इस क्वेश्चन में सारी मेटलर्जी आ गई है, आप ओर लेते हो कंसनट्रेट वंसनट्रेट करने के बाद और प्योर ओर मिला, उस प्योर ओर को आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करते रहे, सल्फाइड फॉर्म जिसी कार्बोनेट फॉर्म जो भी है उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। ठीक है डियर, और उस ऑक्साइड फॉर्म को फिर मेटल में रिड्यूस करते हो, फिर उसके बाद प्योरीफाई करते हो, यही एक मोटा मोटी तरीका, ये चार प्रोसेस में काम होता है अपना। तो इसमें मेन मुद्दा क्या है कि जो पहला प्रोसेस है सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के दो तरीके थे, वैसे मेटल का कोई भी फॉर्म उसको ऑक्साइड में ले भेजना है दो तरीके, एक तो रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन जिसमें पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट उनके लिए काम में आता है, लेकिन जिसमें पहले से ऑक्सीजन नहीं उसमें रोस्टिंग वर्जन काम में लिया जाता है, सल्फाइड बोला है भाई जी तो सल्फाइड बोला है, इसका मतलब उसमें पहले से ऑक्सीजन नहीं है इसलिए रोस्टिंग काम में आ रहा है, रोस्टिंग इसका मतलब पहला क्या हो जाए, एक्स हो जाए रोस्टिंग, ये रोस्टिंग ये रोस्टिंग ये रोस्टिंग। ठीक है भाई, तीन ऑप्शन अभी तक अपने पास बचे हुए हैं। फिर मेटल ऑक्साइड को इम्प्योर मेटल मतलब ऑक्साइड को अपचयित किया है, रिड्यूस किया है, तो भाई जब रिड्यूस करोगे तो रिडक्शन मेथड काम में आया होगा ना, चेक कर लो किस किस में रिडक्शन मेथड काम है, ये रिडक्शन सही बात है, कैल्सिनेशन नहीं हो सकता वो तो पहले हो गया, चलो ये कट हुआ अपने पास, ये पहले ही कट हो चुका था, ऑटो रिडक्शन में भी पॉसिबिलिटी है, तो अपने पास अभी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बचा हुआ है। फिर क्या, इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल प्योरीफाइंग प्रोसेस, अपने कोर्स में 7-8 प्योरिफिकेशन प्रोसेस है उनमें से कोई प्रोसेस लगना चाहिए, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस, बिल्कुल ही प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, बेसेमराइजेशन दे रखा है थर्ड ऑप्शन, जबकि प्योरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है, ये भी सेल्फ रिडक्शन जहां होता है बेसेमर कन्वर्टर में, इसलिए इसको बेसेमराइजेशन अपन बोलते हैं, तो ये सेल्फ रिडक्शन के इन्वॉल्व स्टेप ही ऑटो रिडक्शन का, तो ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट, तो करेक्ट इसके लिए क्या आ जाएगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 65 के लिए, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल
डज नॉट एग्जिस्ट, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, MOT का कौन सा अणु अस्तित्व नहीं है, पिछले से पिछले साल मतलब इस लास्ट ईयर 21 नहीं 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है इस पे, MOT पे एग्जिस्टेंस का पूछा गया है। अब अपने को इसका कांसेप्ट इतना सा पता है कि डज नॉट एग्जिस्ट वो एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए जीरो, तो इसमें ट्रिक लिखवाते हैं सब लोग ही, जिसमें 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है थोड़ा सा स्पेस ये होगा मेरे को सॉरी थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो यहाँ काम में लेते हैं, जैसे 13 इलेक्ट्रॉन है या फिर 14 15 16 17 18 19 और 20 इलेक्ट्रॉन तक का अपने कोर्स में, इधर आ जाएगा 12 इधर आ जाएगा 11, गिनती गलत लिखता हूँ बहुत बार ये देख लेना, 10 9 8 सही है क्या, 13 12 11 10 8 ज़्यादातर 8 तक ही काम में आता है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब ऊपर नीचे आधे से कम रहते करते रहो 2.5 2 1.5 1.5 कहीं गलती की है कि भाई जी कहीं गलती की है, गलती क्या की है, ये 14 15 16 17 18 19 20 ठीक है, ये 3 हो गए 2.5 ठीक है आधा कम कर दिया 2 हो गया, आधा फिर कम किया तो फिर कितना हो जाएगा, रुको मैं थोड़ा वापस लिखता हूँ साफ नहीं लिखा जा रहा, चलो वापस आ जाते हैं ठीक है जी। अच्छा 14 पे होता है यार, गलती ये कर दी मैंने, नाइट्रोजन में होता है 3 बॉन्ड ऑर्डर, ये गलती कर दी थी मैंने ऊपर से, यहाँ से ये N2 मॉलिक्यूल है ना सबको याद रहता है N2 मॉलिक्यूल, तो N2 अणु जो होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर सबको याद रहता है, 3 मैंने गलती से ऊपर स्लिप दिया था तो थोड़ा जल्दी से देख करो ना, चलो तो ये 3 बॉन्ड ऑर्डर N2 में होता है सबको पता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.5 2 1.5 1.5 और ये 0। अब यहाँ पर आओ फिर आधे से कम करो 2.5 2 1.5 1.5 एंड 0। अब देखते रहो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 6 इलेक्ट्रॉन है ठीक है, हर किसी में अपन इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 12 इलेक्ट्रॉन वाले का बंधक्रम कितना आया 2 बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया एग्जिस्ट करेगा, 16 कितना आया 2 एग्जिस्ट करेगा, 8 वाले कितना आया 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। अब रही एलआई के बाद डायग्राम बना लो यार, 3 डब्बे तो बनाने क्या दिक्कत है, चलो तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 65 में आंसर आ गया थर्ड, 66 की बात करते हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रोमियम एटम विच होल्ड, या जिसके लिए एन बराबर एटॉमिक का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई जी, बहुत बार पूछा जाता है और बड़ा लल्लू सा क्वेश्चन है ये, तो क्रोमियम क्यों दिया जाता है, क्रोमियम हो गया जो अपवाद वाले कैसे वो देते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 ही होता है इसका क्रोमियम का 24 नंबर पे कॉन्फिगरेशन। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके, 1s2 2s2 2p6 फिर 3 वाले के साथ 3s2 3p6 3d5 एक तीन थर्ड सेल एक साथ लिखा एंड 4s1 ताकि इसमें क्वांटम नंबर का जब भी क्वेश्चन आया ना तो उनको पहले फर्स्ट सेल वाला लिखा करो फिर सेकंड सेल के लिख दिया करो सारे सब सेल फिर थर्ड के फिर फोर्थ के इस तरह से लिखा करो आसानी से होगा क्वेश्चन आपका। अब बात की एन बराबर थर्ड मतलब तीसरे सेल में बात हो रही है, अब तीसरे सेल के अंदर 3 सब सेल है 0 वाला 1 वाला और 2 वाला, एल की वैल्यूज बोल रहा हूँ एस पी डी, एल की वैल्यू क्या है 2, तो एल की वैल्यू 2 जो है डी के लिए होती है और डी में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, अपना आंसर क्या हो जाएगा 5। इससे लिखने से बहुत फायदा होता है भाई, तरीके कुछ काम करने की तो सिखाना है मुझे इस पेपर के थ्रू, पेपर में आपका आंकलन करना है और मुझे आपको सिखाना है, दो बातें डील करनी है मेरे को आपसे ओके डियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 67 क्वेश्चन, इसमें थर्ड आंसर आ जाएगा 67 की बात कर रहे हैं, 67 बोल रहा है फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, को रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है द इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड, मतलब इसको आगे की तरफ भेजना है, एक अभिक्रिया को आगे की तरफ भेजना, आप सबको पता है लीड चटरलियर प्रिंसिपल का है, बहुत फेवरेट टॉपिक है नीट का और बड़ा थियोरटिकल सा क्वेश्चन बनता है कि किस तरह से सामने आगे जाएगा पीछे जाएगा, इसकी दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों में बात की जाती है, तो अभी बात करना है आगे भेजना है इसको अग्र दिशा में विस्थापित करना है ठीक है डियर, तो अग्र दिशा में विस्थापित पहले डेल्टा एच हीट जुड़ रही है क्रियाकारक के साथ ऐड हो रही है, इसका मतलब डेल्टा एच ये अवशोषित कर रहा है, इसका मतलब ऊष्माशोषी है, तो ऊष्माशोषी के अकॉर्डिंग तापमान यदि आगे भेजना है तापमान बढ़ाना पड़ेगा, ऊष्माशोषी के लिए तापमान बढ़ा के आगे भेज सकते हैं। अब डेल्टा एनजी क्या है इसका, डेल्टा एनजी क्या है धनात्मक, और डेल्टा एनजी में यदि गैस में दाब बढ़ाया जाए तो कम मोलों की तरफ जाती है और दाब कम किया जाए तो ज्यादा मोलों की तरफ जाएगी, और क्रियाकारक जो है वो जोड़ने पर क्रियाकारक आपको क्या आपको अभिक्रिया आगे भेजे, क्रियाकारक कम करने पड़ेंगे और उत्पाद आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये सारे मैंने तरीके लिख दिए जिससे अभिक्रिया आगे जाए, चेक कर लेते हैं ऑप्शन में।
बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तापमान में कम करने पर नई बात वही चलेगी, आगे नहीं जाएगा। बाय इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन, उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने से, उत्पाद की सांद्रता पीसीएल 3 है ना, और उत्पाद की सांद्रता थोड़ा सा खोटा लिख दिया यार जल्दी जल्दी में, क्रियाकारक की सांद्रता तो अपने को बढ़ानी पड़ती है ताकि अभिक्रिया के जाए, उत्पाद की कम करनी पड़ती है। भाई जो भी हो जाए वो अपने को बात समझ आ जाती है ना, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। तो क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ानी पड़ेगी, और ये तो उत्पाद है, उत्पाद को अपने क्या करना है, इंक्रीज करना है, नहीं 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 उत्पाद तो डिक्रीज करना है, ये भी खोटा हो गया। भाई डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करनी है, बिल्कुल मैच कर रहा है आगे भेजने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तू कहाँ आ रहा है बीच में, आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दाब कम करने पर अभिक्रिया कहाँ जाती है, जहां मोलों की संख्या ज्यादा होती है, तो आगे ज्यादा है, दो गैस के कण है, पीछे एक गैस का कण है, तो आगे जाएगी, अपने आगे भेजना था इसको बेचारी को। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं आगे, 68th नंबर क्वेश्चन, 68th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बड़ा फेमस, बड़ा लाडला क्वेश्चन नहीं है नीट का, क्या हाइड्राइड्स के बारे में जितने भी क्वेश्चन जो बने आज तक सारे एक तरह से बने, एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबल, और आप देखो पीप लोग में बहुत रेयर ऐसा हुआ कोई रिएक्शन पूछी गई है, इसमें सिंपल सी इसी तरह क्रम पूछे जाते हैं, या तो रिएक्शन जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस है, जो भी निश्चित एक प्रक्रम है, उस प्रक्रम में भी जो नेम वाले दे रखे हैं निर्माण की विधियां, उस निर्माण की विधि में या तो उत्प्रेरक पूछ लिया या उसकी कंडीशन पूछ ली, एग्जैक्ट एज इट इज रिएक्शन पूछे काफी टाइम हो गया और बहुत रेयर पूछी जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा अपने आपको पजल्ड मत करो इस चीज को लेकर। थोड़ी बहुत हल्का फुल्का आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, लेकिन जो नेम रही जैसे ओस्टवाल्ड मेथड हो गया, हैबर प्रोसेस हो गया, डेकन प्रोसेस हो गया, कॉन्टेक्ट प्रोसेस हो गया, सर्स विधि हो गई, इन सब विधियों में कैटलिस्ट उत्प्रेरक पता होने चाहिए, कुछ शर्तें पता, वो अभिक्रिया पता होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। ओके डियर, चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व का क्रम। तो मैं पहले इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बताता हूँ कि जो HF है, हालांकि बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, HCl है, HBr है और HI है, इनमें जो अतिव्यापित कक्षक है इसमें 1s 2p है, इसमें 1s 3p है, इसमें 1s 4p है, इसमें 1s 5p, और अतिव्यापित कक्षकों में अंतर जो आकार अंतर जितना ज्यादा होगा बंद उतना कमजोर रह जाता है, तो बंद जो है सबसे अच्छा अतिव्यापन इसमें हुआ है, तो बंद सबसे अच्छा इसमें बना होगा, आप सारी बातें आप डील कर सकते हो। तापीय स्थायित्व, बंद अच्छा उसमें तापीय स्थायित्व तो ज्यादा आएगा, तो बिल्कुल सही बात है, HF का तापीय स्थायित्व तो ज्यादा आएगा और HI के सबसे कम, बंद कमजोर उसका। बॉन्ड लेंथ साइज से देख सकते हो, एच तो सब में कॉन्स्टेंट हो गया, आई सबसे बड़ा है और एफ सबसे छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ HI की वजह से, आई की वजह से ज्यादा आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो बॉन्ड आसानी से टूटेगा इन दोनों में, वो पानी में इतना आसानी से H+ दे देगा, जो आसानी से टूटेगा वो पानी में आसानी से H+ देगा, तो HF मुश्किल से टूटता है, HI आसानी से टूटता है, तो HI आसानी से H+ देगा, तो अच्छा एसिड है, ये बात भी सही है। और इन्होंने पूछा है शायद इनकरेक्ट, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा, तो ये अपने सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से की थी, बॉन्ड एनर्जी HF की ज्यादा होती है इसमें, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो अपना आंसर हो गया फोर्थ, 68 का आंसर आ जाएगा फोर्थ। ओके डियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं 69th में, 69 बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड। आप सबको पता है कि हाइड्रोक्साइड जो ये ऑप्शन जैसे दे रखे हैं S ब्लॉक के, टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और लेफ्ट राइट जाने पर घटती है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ जैसे LiOH BOH H2S LiH ज्यादा है, ठीक है, लेकिन नीचे वाले जो होते हैं ग्रुप वाले वो बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू अपर वाले जितने पड़े हैं। तो इसमें LI ऊपर वाला हो गया, B ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला भगवान करके नहीं, इस ग्रुप में ऊपर वाला MG ऊपर वाला हो गया, सबसे नीचे कैल्शियम पड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। सिंपल सा एस ब्लॉक का क्वेश्चन भाई, सब सॉलिडिटी बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हो, सिंपल सा एस ब्लॉक का क्वेश्चन बोल सकते हो, तो ये एक बहुत लल्लू सा क्वेश्चन, NCERT में 2-3 बार काम में है और पूरे आयनिक में काम में आता है, ये तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार में, तो 69 में फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में, ऑफ द फॉलोइंग 0.1 mA सॉल्यूशन विच वन एग्जिबिट लार्जेस्ट। फिर से वो क्वेश्चन क्या आ गया कि किसका क्वथनांक या हिमांक ज्यादा है, कमिश टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये वन टू फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा फिर से इसमें गलती करता है, जो आपने की होगी उम्मीद करता हूँ, यदि किए तो कमेंट बॉक्स में बताना, हाँ सर हमने ये गलती की है लेकिन आगे से नहीं करेंगे, भी लिख देना, ठीक है डियर। चलो तो बात करते हैं, तो वैसे डेल्टा TF जो होता है वो होता है IMKF, KF सबके लिए कॉन्स्टेंट है, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा TF जो है वो कांस्टेंट के अलावा I into M पे निर्भर करेगा, और जो जो भी हिमांक में अवनमन डेल्टा TF का मतलब है ना, तो हिमांक बिंदु उच्चतम होगा, ना कि हिमांक बिंदु में अवनमन उच्चतम होगा, हिमांक बिंदु में उच्चतम पूछा है, तो
तो इमांग बनता होता है टी एफ डैश, जो कि क्या हो जाएगा, जीरो माइनस डेल्टा टी एफ, सबको पता है। अब एक बार सोचो कि जिसका टी एफ डैश डेल्टा टी एफ ज्यादा, जिसका अवनमन का वैल्यू ज्यादा है, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं जाएगा, जीरो माइनस ज्यादा घटेगा, और जो ज्यादा घटेगा यदि वैल्यू घटेगा ज्यादा, इसका फ्रीडिंग पॉइंट तक कम नहीं हो जाएगा क्या? जैसे किसी का डेल्टा टी एफ 1 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस 1 आ जाएगा, इसका फ्रीजिंग माइनस 2 आ जाएगा, तो ये कम नहीं होगी वैल्यू। डेल्टा टी एफ 2 ज्यादा है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम 2 माइनस 2 ज्यादा है, सही बात है। तो आपको क्या करना है भाई जी, लार्जेस्ट करना है, तो इसका वैल्यू मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो नए वाला ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, तो 0 माइनस डेल्टा टी एफ घटने वाले वैल्यू कम से कम नहीं होना चाहिए क्या? और ये कम से कम तभी होगा जब i इंटू एम कम से कम होगा, और i इंटू एम इसका कितना है 0.1 इंटू 2, i इसका 2 है तो 0.2 आ जाएगा, ये पानी में 3 आयन देगा, 2 के प्लस 1 है, सो 4 माइनस 2, तो 0.3 आ जाएगा i इंटू एम, इसका कोई टूटेगा नहीं, तो 0.1 है जैसे जैसा, और इसमें 0.4 पोटेशियम और एक पूरा कॉम्प्लेक्स दे देगा, तो इसमें कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा अपने को सबसे कम तो देखनी भाई जी, ज्यादा थोड़ी देखनी है, सबसे कम इसमें है, तो आंसर क्या होता है थर्ड। तो जो ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसका डिप्रेशन जो है, अवनमन जो है सबसे कम होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, यहाँ गलती करते हैं बच्चे और की होगी, ये छोटी छोटी गलतियां मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ करें, बट एग्जाम में नहीं करें, मैं जानबूझ की गलती आपसे करवाना चाह रहा हूँ, आप एग्जाम प्लीज गलतियां ना करें। और एक क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, कोई हैवी कंसेप्ट लग रहा हो, क्वेश्चन आसान है लेकिन गलतियां नहीं चाहिए, है ना, ये गलतियां यहीं कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस में कर लो सब गलतियां। नेक्स्ट है 17 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एप्लीकेबल टू द फिनोमेना ऑफ एडसॉर्प्शन। अब सबको पता है जब एडसॉर्प्शन होता है तो गैस के पार्टिकल जो सरफेस होता है, गैस के पार्टिकल कहाँ के चिपकते हैं, जो सरफेस होता है उस सरफेस पर आके चिपक जाते हैं। तो जब सरफेस पे एडसॉर्ब होते हैं, सरफेस पे चिपकेंगे आके, तो होगा क्या, एंट्रोपी घट जाएगी, डेल्टा एच हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि कोई बॉन्ड बना है इनका आपस में, तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, हीट रिलीज होगी इस केस में। डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो डेल्टा जी के बारे में चर्चा, डेल्टा एच और डेल्टा एस पे डिपेंडेंसी आएगी, उसके अकॉर्डिंग अपन सोचेंगे। तो ये तो हो गया भाई जी नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव मेंटेन रहा, ये माइनस आ जाएगा, डेल्टा एच वाइज ऑफ नेगेटिव है तो ये प्लस रहेगा, तो डिपेंडेंसी आ गई टेम्परेचर पे, ये बायला डिसाइड करेगा कि कब क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि आपको अब चेक करना है, डेल्टा जी कुछ नहीं कह सकते, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, डेल्टा एच पॉजिटिव, अरे वाह पहले ही गलत हो गया, इसने पूछा क्या है, विच इज नॉट एप्लीकेबल, जो जो लागू नहीं होता, ठीक है डियर। तो डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं होता, डेल्टा जी कुछ नहीं कह सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है ये भी हो सकता है वो भी हो, तो ये अनसर्टेन पोजीशन है, जबकि ये गारंटी है नेगेटिव है, गारंटी नेगेटिव का ये अनसर्टेन, पर ये गारंटी नेगेटिव, इसका कोई गारंटी पॉजिटिव नहीं हो सकता भाई, इसने नॉट एप्लीकेबल, तो ये तो हो सकता है एप्लीकेबल हो जाए कहीं इसी सिचुएशन में, तो ये मे भी है, तो लेकिन ये नॉट ही है भाई जी, ठीक है डियर। चलो तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा, सेकंड नहीं आ रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, वैसे फिजिकल एडसॉर्प्शन जो होता है उसमें इन जनरल बात करते हो स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन वो डिपेंडेंस है, हालांकि टेम्परेचर तो होती है। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी एक ज़्यादा आगे चला गया, 72 क्वेश्चन क्या है, इफ द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस देन व्हाट विल बी द टी 87.5%। देखो फर्स्ट ऑर्डर का बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, एज इट इज क्वेश्चन, ये तो नहीं, इस टाइप का एज इट इज क्वेश्चन आप देखोगे एनसीईआरटी में जो टेक्स्ट क्वेश्चंस में दे रखे हैं, जैसे T99% ये है तो T90% क्या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, और इस टाइप के फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन आते भी एग्जाम में, नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें मैं डील करता हूँ। तो टी हाफ दे रखा है, टी हाफ वैसे होता क्या है, टी हाफ होता है ln2/k, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, वो अपने को दे रखा है 30 सेकेंड, ठीक है डियर, और पूछा हुआ है टी 87.5%। टी 87.5% का मतलब ये होता है कि जो ए आप इनिशियल सी नोड जो है ए मानते हो, तो जो सी टी है टी टाइम पर कंसेंट इसका 87% डिसोसिएट हो जाए, तो ए का 87.5% डिसोसिएट हो जाए, तो सी टी क्या आ जाएगा, ए माइनस 0.875 ए, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा a इंटू 0.125 आना चाहिए, 0.125 a, ठीक है, और ये लगभग 1/8 है, एग्जैक्ट ये आ गया, सी टी क्या आ जाएगा, a बाई 8, इसलिए कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है डियर। अब अपना फॉर्मूला क्या है फर्स्ट ऑर्डर का, kt is equals to ln c0 upon ct,
या a अपॉन a माइनस एक्स भी लिखते हैं, मेरे को c माइनस t, हालांकि ये ct जो होता है वो a माइनस x ही होता है। इसको मैंने सॉल्व करके ct के फॉर्म में रख दिया है यहाँ पर, तो k इंटू t इज इक्वल्स टू एल एन, सी नोट क्या दे रखा है a मान लेते हैं अपन लोग, और ct कितना हो गया a बाई 8। इसको सॉल्व करते हैं, a से कट जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, तो के टी टी 87.5% वाले की डील हो रही है, एल एन 8 आ जाएगा, एल एन 8 को मैं 2 की पावर क्या लिखता हूँ 3, मैं क्या लिखता हूँ k। हालांकि इतना मैं कर रहा हूँ तुम्हारे सामने ये मतलब इतनी कैलकुलेशन ऐसा कुछ नहीं, बहुत फास्ट होता है, मैं ट्रिक भी बताऊँगा इसको आपके, है ना। तो k इंटू टी 87.5% क्या आ जाएगा 3 ln 2, और t 87.5% जो है वो क्या आ जाएगा 3 ln 2 by k, ln 2 by k अपने पता है t हाफ होता है, तो 3 × t ½ = 30, तो 90 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 90 सेकेंड, और इसमें तरीका ही रहता है, ट्रिक का ही रहता है कि जितनी बार वो हाफ होता है या जितनी बार वो हाफ टाइम लगता है उतने ही टाइम से वो हाफ क्या होता है, मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि सी टी जो है वो a अपॉन 2 की पावर n होता है, जैसे a अपॉन 2 की पावर 8 हो गया, तो उसमें जो टाइम लगता है वो t हाफ का n टाइम्स लगता है, बेसिकली t हाफ का n टाइम्स लगता है। जैसे इस क्वेश्चन देखो, a अपॉन 2 की पावर क्या हो रहा है 8 हो रहा है, सॉरी 2 की पावर 3 हो रहा है, a बाई 8 का मतलब ct, ये देखो इसको मैं लिखता हूँ a अपॉन 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो इसमें जो n की वैल्यू 3 नहीं आ गई क्या, तो 3 टाइम्स t हाफ का लग गया, ये ट्रिक है इसमें, और ये t हाफ वाले सब में वैलिड है, ठीक है। तो इस तरह के t हाफ के क्वेश्चन जनरली डेटा इस तरह का दिया जाता है, इसमें जो क्वेश्चन में जो डाटा आंकड़ा जो मिलेगा इस तरह का मिलेगा, ताकि तुम आसानी से उसको बिना इतनी ज्यादा कैलकुलेशन के माथापच्ची के एक सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। और उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों ने बहुत जल्दी इसका आंसर निकाला होगा, इस तरीके से किसी ने किस तरह से किया तो बताना बेटा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा थर्ड, नेक्स्ट आते हैं 73 में, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। अब सुनना, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, अपने को ये क्वेश्चन का, ये हाइड्रोजन चैप्टर का, देखो सारे चैप्टर कवर किए गए, कोई मतभेद, कोई ऐसा नहीं रखा कि भाई एनवायरमेंटल से दिया कि हाइड्रोजन से नहीं दिया, गैस ब्लॉक से नहीं दिया, सबको इक्वली इंपॉर्टेंस दिया है, सबके एक एक क्वेश्चन आए हैं, किसी के दो क्वेश्चन आए हैं, और उसी तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाते हैं, ठीक है डियर। अब हाइड्राइड तीन तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन धनी, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून, और एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध। इलेक्ट्रॉन धनी जिसके पास लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन ऋणी जो लुईस अम्ल होता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। और लास्ट जो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध जिसका ऑक्टेट पूरा है खुद से जिंदगी में। तो इसमें देखो ये BF3 से बना है, इलेक्ट्रॉन ऋणी है, लोन पेयर वाला बंदा है, इलेक्ट्रॉन धनी है, लोन पेयर वाला बंदा इलेक्ट्रॉन धनी है, और ये अष्टकपुरा वाला है, 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोष में शेयरिंग करके कर लिए हैं, तो अष्टकपुरा होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4th। ये तो हुआ अपना कंप्लीट 73। उसके बाद अच्छा सेक्शन बी आ गया, तो सेक्शन बी में एक क्वेश्चन करते हैं डील, बड़े सिंपल से। सेक्शन बी में ही ध्यान रखा गया है कि यदि कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन ज्यादा हो तो तुमने सेक्शन बी में रखा था, कि आप यदि पजल्ड फील करते हो, और ऐसा नीट में किया जाता है ताकि आप स्किप कर पाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, सारे थोड़ी करने होते हैं इसमें। चलो तो पहला क्या है, 86 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 46 ग्राम ऑफ सोडियम इन दिस रिएक्शन। अब इसको आप तुम ये मान सकते हो इलेक्ट्रॉन मोल का है, ये भी माना जा सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस तरह की डीलिंग होती है रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है, रेडॉक्स का मान सकते हो जैसा अच्छा लगे। लेकिन इस रिएक्शन को देखो, 2Na जो है वो Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है और 2NaCl बना रहा है, ठीक है जी। इसमें बोला गया है कि देखो इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ 0 है सोडियम, यहाँ +1 में, यदि मैं एक सोडियम पर चर्चा करूँ, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, एक मोल रिलीज करेगा, और दो मोल चार मोल, चार मोल, अब देखते हैं सोडियम कितना दे रखा है, 46 ग्राम दे रखा है। तो सोडियम को बड़ा ही कॉमनली सबको पता है 23 एटॉमिक वेट होता है, और मोलर वेट 23 ग्राम होता है, एटॉमिक 23 mu और मोलर 23 ग्राम, ठीक है डियर। तो इसके दो मोल आ गए, तो इसके दो मोल जो है 1:1 के रेशियो में, तो दो मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई जी 2 मोल। अब दो तो मोल आए, पर इसने पूछे संख्या, नंबर्स, तो Na से गुणा करना पड़ेगा ना भाई जी, तो 2 × Na कर दिया रे गुणा, 2 × 6.022 × 10^23, ये कितना आ जाएगा 12.04 × 10^23, देखते हैं 24 23 23, तो इसको गुणा करने, उसको साइंटिफिक नोटेशन में 12.04 × 10^24, तो इसमें आंसर आ जाएगा ये वाला 1.204, ठीक है। तो वैसे बच्चों ने ये भी गलती की, पक्की बात है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला एक जैसा दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, एक 1.1 1.2 है भाई जी,
तो ये गलतियां करते हैं ऐसे ऐसे जानबूझ के दिए जाते हैं ऐसे ताकि तुम गलतियां यही करो वहां नहीं करो, ठीक है। चलो तो इसमें आंसर क्या आ रहा है अपना, थर्ड। ओके नेक्स्ट 87th नंबर क्वेश्चन, ये है द अनसर्टेनिटी। अब देखो एटॉमिक में भी थोड़ा चल रहा है ट्रेंड में, जो शुरू वाला पोर्शन है बोहर में थोड़ा खफा है, मतलब बहुत पूछ लिए गए बोहर से, अब थोड़ा अनसर्टेनिटी हो गया क्वांटम नंबर, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के, क्योंकि बोहर का तो पूछा जाता है फिजिक्स में भी आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स में, लेकिन वो यहाँ कॉमन नहीं अनसर्टेनिटी वगैरह, तो यहाँ से क्वांटम नंबर वगैरह इसलिए यहाँ से चर्चा की जाती है। ओके डियर, चलो तो बात करते हैं। If uncertainty in momentum and position is same, वैसे formula क्या होता है uncertainty का, delta x into delta p is equals to h upon 4 pi, बस ये formula ही अपने course में minimum error इतनी रहेगी रहेगी error का multiplication, तो same क्या है, momentum में same है, तो delta x की जगह अपन रख सकते हैं delta p, क्यों, क्योंकि ultimately अपने पूछा क्या गया है delta p जो कि p के अंदर ही है h upon 4 pi, तो ये डेल्टा पी का स्क्वायर हो गया है वो क्या हो गया एच अपॉन फोर पाई, तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा रूट में एच अपॉन फोर पाई, और डेल्टा पी क्या होता है डेल्टा पी एम इंटू वी होता है इज गोस टू रूट में एच अपॉन फोर पाई, एम मास कॉन्स्टेंट डेल्टा उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा तो एम है जैसे डेल्टा वी आ जाएगा एच अपॉन फोर पाई, रूट है जैसे जैसे बड़ा है डियर, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा डेल्टा वी क्या आ जाएगा, अरे फिर गलती कर दिया, डेल्टा वी क्या आ जाएगा वन अपॉन एम, एम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया वज्र गुणा कर दी एच अपॉन फोर पाई, बस चेक कर लेते हैं, हो सकता है एम स्क्वायर अंदर डाल के रखा ऑप्शन में, तो पहला एच एम ऊपर नहीं है एच एम नीचे है एच एम अंदर नहीं है, यदि अंदर जाएगा तो एम स्क्वायर बनना पड़ेगा और एच एम बाहर है फोर पाई, फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। ओके डियर, तो 87 का फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 88 के लिए, 88 बोल रहा है वही आयनिक सोलिबिलिटी क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन एनटीए का सोलिबिलिटी से, देखो इस बार भी पूछा गया पिछले साल पूछा गया था, और हर दो तीन साल में मतलब हर पांच साल में तीन बार मान लो क्वेश्चन सोलिबिलिटी का, ऐसा मानो आयनिक में, तो चलो क्या बोल रहा है एम ओ एच होल एक्स जो है वो अपना एम प्लस एक्स प्लस एक्स ओ एच माइनस, हाल मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है फिर मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये इक्वेशन तो सब में लिखनी पड़ती है स्टार्टिंग में, प्लस एक्स ओ एच माइनस, ठीक है। वैसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका यदि केस भी ये है और सॉलिबिलिटी एस की वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू क्या है, वो पता भी चल रहा था एक्स ही पूछेगा इसमें, स्कैन मोल इनिशियली होते हैं इनमें से एस टूटते हैं, ये सॉलिड होता है ये एक्वस है ये एक्वस है, तो ये एस बनेगा ये एक्स एस बनेगा, तो केस भी क्या होती है इसकी इक्विलिब्रियम पर जो डिफाइन करते हैं एक्वस की एम प्लस की कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी वन, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वन है, रसमीकरणमिति गुणांक एक है, ओ एच माइनस की पावर एक्स हो जाएगी क्योंकि इसके रसमीकरणमिति गुणांक एक्स है, इसकी कंसंट्रेशन एस है एस की पावर वन हो गया, इसकी पावर एक्स एस है एक्स एस की पावर एक्स हो गया और के एस पी इज इक्वल्स टू हो गया, तो सिंप्लीफाइड करके लिखते हैं तो के एस पी क्या आ गया अल्टीमेटली के एस पी इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा एस डॉट x की पावर x, x दोनों मल्टीप्लाई कर देता हूँ s की पावर x, ठीक है जी। अब अपने पास वैल्यूज दे रखी है s की वैल्यू 10 की पावर माइनस चार, ठीक है, और केस भी दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12, करते हैं वैल्यूज पुट करते हैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ये पुट किया इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा s 10 की पावर माइनस 4, कोई गलती नहीं कर रहा हूँ तो बता देना, ये हो जाए x की पावर x, तो x की पावर x है जैसे जैसे रख दिया इंटू टेन एक्स पावर माइनस 4 की पावर x, तो 4x माइनस का ये हो जाएगा, ठीक है डियर। अब देखो ये टेन एक्स पावर 4 ये माइनस का है सॉरी, तो ये कटेगा तो ये 4 इंटू टेन एक्स पावर सॉरी चलो वापस करते हैं, मैं उसको लिखता हूँ सेट x की पावर x इंटू टेन एक्स पावर माइनस 4x इज इक्वल्स टू ये टेन एक्स पावर माइनस क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा, वैसे मैं इतनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ इतनी कैलकुलेशन बिना कैसे होगा मैं बता देता हूँ, इतनी कैलकुलेशन बिना भी हो जाएगा ऑप्शन चेक करना है सिंपल सा, और ये माइनस 8 बच गया क्योंकि वो जा चुका है उससे, तो माइनस 8 बच जाएगा, ठीक है डियर। अब देखना जरा ध्यान से x की पावर x नॉर्मल वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू के साथ कंपेयर करता हूँ और पावर वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करता हूँ, तो x की पावर x बराबर 4
और टेन एक्स पावर माइनस फोर एक्स इज गोस टू, दोनों सेम वैल्यू होनी चाहिए एक्स की, तो सही है, अदरवाइज गलती है। तो माइनस का एट, तो माइनस का फोर एक्स क्या हो जाएगा इज गोल्स टू माइनस का एट, एक्स कितना आ जाएगा टू, यहाँ पर चेक कर लो टू की टू, टू की पावर टू बराबर फोर, तो सही बात है, अपनी वैल्यू सही निकली है, तो इसको एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी टू। अदरवाइज एक एक ऑप्शन रखो ना यार, ओ एच वन है कि टू है कि थ्री है कि फोर है यार, इससे बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन अपने को तो सोल्व करके बताना है पूरा, इसलिए पूरा सोल्व किया, ठीक है डियर। चलो सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, 89 नंबर क्वेश्चन, 89 चूज द इंक्रीज ऑफ स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स दे रखे। अब सुनना, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर जैसा है लेकिन थोड़ा चेंज है, लास्ट ईयर पूछा था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो अपने जो क्रम है सामर्थ्य का लिगेंडों का, उस क्रम को ही पूछ लिया गया था, लेकिन मैं ये इनडायरेक्टली पूछ रहा हूँ स्टेबिलिटी के टर्म में, क्योंकि जो स्टेबल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो संकुल ज़्यादा स्थायी होता है, इसका उसमें लिगेंड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में संकुल भी क्या हो जाता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसमें लिटिंग एनर्जी उसकी ज़्यादा आती है, विपाटन ऊर्जा ज़्यादा आती है, ठीक है। दूसरा, यदि लिगेंड सेम है तो मेटल पे डिपेंडेंसी, एक तो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ऑक्सीडेशन स्टेट में, जितनी ज़्यादा धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होती है उतना ज़्यादा प्रभावी नाभिक आकर्षण बढ़ता है, उस वजह से स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाती है, उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब जितना ज़्यादा धनात्मक अवस्था उससे भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। और यदि ऑक्सीकरण अवस्था सेम है, मेटल चेंज है, तो जितना ज़्यादा नीचे जाते हैं अपन डी ग्रुप में, डी ब्लॉक में, क्योंकि डी ब्लॉक वाले कॉम्प्लेक्स इन जनरल अपन पढ़ते हैं, तो नीचे जाने पर प्रभावी नाभिक आकर्षण बढ़ता है, तो उस वजह से जो कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबल, अपने को प्रभावी नाभिक आकर्षण बढ़ेगा तो अपना संकुल स्टेबल बन जाएगा, तो नीचे जाने पर भी सेम ऑक्सीकरण अवस्था के साथ उसमें स्टेबिलिटी बढ़ती है कॉम्प्लेक्स की, ठीक है डियर। अब बात करो सी यू सेम है, प्लस टू। अब H2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग NH3 होता है, उससे ड्रो ये एथिलीन डाइमीन होता है, ये ऑर्डर सही है, बिल्कुल स्टेबिलिटी के इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने गलत पूछा है H2O NO2 एंड NH3, तो NO2 ज़्यादा स्टेबल, तो भाई साहब उसकी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है तो पहले आना चाहिए, तो ये इसका ऑर्डर होगा, आगे बात समझते, इनकरेक्ट ऑर्डर है, इसने इनकरेक्ट पूछा है अपने से, बस बात करता हूँ, नीचे वाले दोनों करेक्ट हैं, ओके डियर। चले आएंगे नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। फिर है 90 क्वेश्चन, और 90 क्वेश्चन जो अपने पास है वो भी इसी टाइप के क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा, नहीं क्वेश्चन सारे उसी फ्लेवर में हैं जो एग्जाम में नीट में पिछले 5-7 सालों में पूछे गए हैं, ओके डियर। ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड है, पी ब्लॉक का बोल सकते हैं, पी ब्लॉक में सारी स्ट्रक्चर्स दे रखी हैं, लास्ट ईयर एग्जाम 2021 में SS लिंक पूछा हुआ था, किसी में SS बंद उपस्थित है, अपन ने पी भी पूछ लिया यार, स्ट्रक्चर तो आपको पता चले याद करनी पी ब्लॉक में से, ठीक है, तो अपन ड्रॉ कर देते हैं स्ट्रक्चर की। पहला है S4P2O7, वैसे ही बनता कैसे है, H3PO4 जो होता है उसके दो अणु से एक पानी हटाया जाता है, तो ये बनता है, माइनस H2 किया जाता है तो ये बनता है H4P2O7। जब भी पानी हटता है दोनों से उसके आगे पायरो लग जाता है, तो ये पायरो फॉस्फोरिक एसिड है, पहले फॉस्फोरिक एसिड लिया था, उसका पायरोफॉर्म हो गया। स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी देख लो, पी जहाँ से पानी हटता है बीच में पीओपी लिंक की तरह कन्वर्ट हो जाता है, ओके डियर, क्योंकि पानी जब हटता है तो बॉन्ड वेरी वैलेंसी पूरी करने के लिए है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, H4P2O6, इससे एक ऑक्सीजन हटता है ना, तो H4P2O6 बनता है, ये ऑक्सीजन हट गया, ये ले पी आ जाएगा, और अपने वही पूछा आ गया आंसर, आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, पहले दूसरे आपको आंसर दे रहे हैं, ठीक है डियर। इसका आंसर हो गया सेकेंड। इसमें देखो ये है पायरोफॉस्फोरस एसिड है, इसमें इसी तरह से पीओपी बॉन्ड प्रेजेंट है जैसे इसमें होता है, ये H3PO3 से दो पानी हटने से बनता है, तो लेकिन इसमें पीओपी बॉन्ड आएगा, और ये एक साइक्लिक फॉर्म है हेक्सामेटाफॉस्फोरिक एसिड है, इसमें क्या होता है कि जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO3 जो होता है उसके 6 जन आपस साइकिल बनाते हैं, लेकिन उसमें पीओपी बॉन्ड प्रेजेंट होता है साइकिल के अंदर, तो उसमें पीपी लिंगेज उसमें भी नहीं आता, ओके डियर, सारी स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगा पीओपी बॉन्ड प्रेजेंट, तो सेकंड वो ऑप्शन से पीपी लिंक प्रेजेंट है, पीओपी नहीं है, और अपना आंसर क्या हो जाएगा सेकंड, ओके डियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, तो सेकंड आंसर हो गया 90 का, 91 पे आते हैं, फिर से मेटलर्जी का कौन सा प्रोसेस किसके लिए, देखो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोसेस के नेम पूछे जाते हैं हर 3-4 साल 5 साल में एक बार, प्रोसेस के नेम दे दिए जाते हैं, नेम के अकॉर्डिंग या तो कंडीशन पूछ ली जाती है या किसके लिए काम में लिया जाता है प्रोसेस, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। पहला है वेन आर्कल मेथड, आपको बता दो वेन आर्कल मेथड जो है टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए काम में लेता है, ये टाइटेनियम, ठीक है भाई जी, जोन रिफाइनिंग जो इम्प्योरिटी इसका कंसेप्ट भी अपने को पता है, वैसे वेन आर्कल कंसेप्ट आपको पता है जिसमें इम्प्योरिटी क्या करती है कॉम्प्लेक्स बनाती है, सॉरी जो मेटल होती है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, वोलेटाइल होता है, वो बाहर चला जाता है, इम्प्योरिटी वहीं पड़ी रह जाती है,
उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर बार बार ब्रेक करते हैं थोड़ा और ज्यादा हीट करके। नेक्स्ट है जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग में क्या करते हैं अपन लोग, मंडल प्रोसेस को बोलते हैं हिंदी में। इसमें क्या करते हैं कि जो पहले कंसेप्ट की बात कर लेता हूँ, जो अशुद्धि होती है वो द्रव अवस्था में ज्यादा घुलनशीलता रखती है, ताकि एंट्रोपी जो उसकी बढ़ी हुई रहे, ठोस में ठोस दिक्कत हो गया तो वो एंट्रोपी कम हो जाएगी उसके अपने, हर कोई एंट्रोपी बढ़ाना चाहता है, वहाँ का कंसेप्ट एनसीईआरटी का है, मेरी तरफ से कोई लाइन नहीं है। तो ये जो मेथड है वो जनरली सिलिकन हो गया, जर्मेनियम होने के लिए काम में लिया जाता है। तो जॉन रिफाइनिंग जर्मेनियम के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मोल्ड प्रोसेस, वही वेपर वाला है, वेपर फेज में संकुल बनता है एकदम, वैन आर्कल और मोल्ड प्रोसेस एक साथ ही दे रखे हैं, और निकल के लिए काम में लिया जाता है मोल्ड प्रोसेस, ठीक है। और साइनाइड प्रोसेस बड़ा फेमस है सिल्वर एंड गोल्ड के लिए। तो फर्स्ट के अंदर आ जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा सेकंड, ए के अंदर सेकंड, ये ए के अंदर सेकंड एक भी दे रखा है, अरे वाह मौज होगी। फिर बी के अंदर क्या है फोर्थ, बी के अंदर फोर्थ, सी के अंदर फर्स्ट, सी के अंदर, मतलब आपके लिए पेपर आसान बनाया गया है, बहुत बढ़िया। डी के अंदर थर्ड, डी के अंदर थर्ड, एक ही मैचिंग में एक में बैठ गया, ठीक है, थर्ड आंसर आ गया, चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग 92 क्वेश्चन पे। 92 क्वेश्चन बोल रहा है, कहाँ है बे, 92 क्वेश्चन, ये लो 92 क्वेश्चन। ऑन पासिंग SO2 इन एसिडिफाइड K2Cr2O7, देखो K2Cr2O7 SO2 से रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि क्वेश्चन बहुत बार रेडॉक्स में अपन लिखते हैं इस रिएक्शन को, और यदि ऑथेंटिक माने डीप लो के ऑथेंटिक क्वेश्चन वहीं से है, और एक सिंपल सी रिएक्शन जो पता होनी चाहिए क्या, कि K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अम्लीय माध्यम में खुद Cr+3 में जाता है और सामने वालों क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है SO4-2 में। और आपको पता होता है ऑरेंज कलर का होता है, ध्यान रखना, और इसका क्रोमेटाइन येलो कलर का होता है, ये डाइक्रोमेटाइन है, और ये होता है ग्रीन कलर का क्रोमियम आयन, अपने डीप लोगों पढ़ते हैं इसको। तो ये रिएक्शन जैसे ही परफॉर्म होगी, रिएक्शन जैसे ही कंप्लीशन की तरफ जाएगी, तो जो नारंगी क्रियाकारक खत्म हो जाएगा, उत्पन्न बदल जाएगा, नारंगी हरे रंग में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा क्या, इसका नारंगी रंग जो है हरे रंग में कन्वर्ट, सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 1 मोल SO2 ऑक्यूपाई दिस वॉल्यूम एट दिस टेम्परेचर देन ओके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसका मतलब इसने संपीड्यता गुणांक पूछा है, संपीड्यता गुणांक का फॉर्मूला सिंपल सा है, वैल्यू पुट करो आंसर आएगा, ठीक है। तो जेड क्या होता है, पी वी अपॉन एन आर टी, तो जेड क्या आ जाएगा, प्रेशर कितना दे रखा है, प्रेशर कहाँ है भाई, 50 ATM इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है, 0.3 लीटर रखना होता है जी, क्योंकि आर अपन उसी में रख रहे हैं, मोल कितना दे रखा है एक, आर कितना है 0.0821 और टी कितना है 300 केल्विन। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व कर लेना, आंसर एक से कम आएगा और 0.71 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है डियर, इसको सोल्व कर लेना, सिंपल सा है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी है अपन, कैलकुलेशन इस पर कर नहीं सकते, इतना टाइम नहीं अपने पास, अदरवाइज मैं भी एक एक भाग गुणा जोड़ बाकी करने बैठ जाऊँ। नेक्स्ट है 94th नंबर क्वेश्चन, 94th नंबर क्वेश्चन BaSO4 का केस पी है, Ba+2 इसकी आयनिक चालकता, फिर से बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है, उसी सेगमेंट से दिए मैंने जहाँ से कंडक्टिविटी का था, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ वो सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उस पर क्वेश्चन आजकल इसमें बहुत सारे बन रहे हैं, IIT एडवांस में आप पिछले साल के देखोगे 2000 उसमें इससे पूछा हुआ सेगमेंट है, मतलब ये बड़ा फेमस क्वेश्चन भैया, तैयारी कर लेना इसकी अच्छे से करके जाना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इनका दे रखा है आयनिक कंडक्टेंस Ba+2, और जो आयनिक कंडक्टेंस है, इफ आयनिक कंडक्टेंस इज दिस एंड दिस, ठीक है, देन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओके। अब इसकी इकाई से देखो, ये आयनिक कंडक्टेंस कौन सी है, मोल सॉरी मोहो इनवर्स, इसको मोहो बोल सकते हैं, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, इसका मतलब ये दे रखा है पर मोल जो होता है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है अपने को, लैम्डा एम, तो लैम्डा एम अपने कोलराउस नियम से पता है कि लैम्डा एम क्या हो जाएगा, BaSO4 का जो उनके आयंस है उनके एडिशन के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जो BaSO4 है, जो BaSO4 दो आयन है, एक तो है Ba+2 और एक है SO4-2, और ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है मोलर चालकता, तो मोलर चालकता मोलर कंडक्टिविटी ऐड हो जाएगी, यूनिट से पता चला मेरे को एक्चुअली, जो मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, आयनिक कंडक्टिविटी जो दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्म में दे रखी है ओके डियर। तो नेट इसका दोनों आयंस का ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 64+18 आ जाएगा 144, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, इसका पूछा क्या जा रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो तो कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता बोलो, चालकता पूछी जा रही है, तो अपने को पता है लैम्डा एम इज गोज टू के इंटू 1000
अपॉन मोलरिटी रखते हैं। अब एक बात सोचो, BSO4 अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया होगा क्योंकि इसके केस भी दे रखी है, उसी पे डिफाइन करते हैं अपने अधिकतम चालकता, ठीक है। तो जब अपन इसके सैचुरेटेड की तभी केस भी दे रखी है, तो एस स्क्वायर इसके केस भी आ जाएगा 10^-10 दे रखी है, तो एस क्या आ जाएगा 10^-5, और ये अधिकतम इसकी सांद्रता हो सकती है 10^-5 मोलरता हो सकती है। पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा कि निकालना है इंटू 1000/10^-5 =144। तो इससे के क्या आ जाएगा 144 × 10^-8। चेक कर लेते हैं 144, ठीक है। आंसर क्या आ गया इसके चालकता का, या अपन बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस का या कंडक्टिविटी का, 144 × 10^-8 साइमंस पर सेंटीमीटर। ओके, तो सेकंड आंसर अपना सही है। नेक्स्ट आते हैं 95 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक का। देखा था ना डेल्टा एस डेल्टा जी, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो साइन का पूछ लिया जाता है, कुछ फॉर्मूला सिंपल से वैल्यू पुट करवा ली जाती है, ठीक है डियर। तो इसको पूछा क्या गया है, एक रिएक्शन दे रखी है N2O4 लिक्विड जो है 2NO2 गैस में जा रहा है, उसके लिए डेल्टा यू दे रखा है, ठीक है, डेल्टा एस दे रखा है डेल्टा जी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डेल्टा जी का अपने को फॉर्मूला सबको पता है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। लेकिन अपने को डेल्टा एस तो पता है, दे रखा है, और टेम्परेचर भी दे रखा है, लेकिन दे क्या नहीं रखा, डेल्टा एच नहीं दे रखा। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला अपने को पता है, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, गैस के मोल बदल रहे हैं, पूरा लिक्विड था गैस बन चुका है, इंटू आर टी प्लस सॉरी माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है जी। वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना, अब फॉर्मूला रख दिया है, ओनली वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है डियर। चलो तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसका कितना आ गया 2.1। बस एक बात हमेशा बच्चा ध्यान रखे कि जब भी वैल्यू पुट कर रहे हो तो जो वीमाएं हैं, जो इकाइयां काम में आ रखी है, किस इकाई के साथ किस यूनिट के साथ काम हो रहा है, वो इकाइयां ध्यान रखे भाई, बच्चा वहां गलती करता है। तो एक किलो कैलोरी में चल रहा है सारा काम, तो एक किलो कैलोरी में लिख रहा हूँ, ठीक है डियर, प्लस डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी मतलब गैस के मोल दो बने हैं और जीरो मोल इनिशियल थे, डेल्टा एनजी 2 आ जाएगा, इंटू आर, अप्रोक्स कैलोरी में 2 होता है, आर का वैल्यू कितना होता है, आर इज टू 1.99 कैलोरी पर मोल केल्विन होता है, यदि कैलोरी में बात करें तो। तो मैं 1.99 के अप्रोक्स 2 लिख देता हूँ, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 300, लेकिन डिवाइड बाई 1000 करूंगा ताकि किलो किलो कैलोरी में किलो कैलोरी, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना सेम यूनिट में सेम यूनिट जुड़ी, आप यहाँ किलो कैलोरी रखो वहाँ कैलोरी रखो तो गड़बड़ है, गधों में घोड़े नहीं जुड़ते हैं ना, सेम यूनिट पे सेम यूनिट जुड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं इसका क्लास में बड़ा प्यारा एग्जांपल देता हूँ, एक आर्मी है, उसके पास 5 घोड़े और 5 ही गधे हैं, बाजार से 2 गधे और खरीद के लेके आए, तो उसके पास घोड़े कितने होंगे, कितने घोड़े होंगे, अरे घोड़े तो 5 ही होंगे, गधे लाया है वो 2, तो उसने आपने इतनी समझदारी दिखाई है कि उस गधों के साथ या उस घोड़ों के साथ गधों को नहीं जोड़ा, तो पता है कि घोड़ों में घोड़े ही जोड़ते हैं, घोड़े पूछे गए हैं। तो जो इकाई में काम कर रहे हो उसी इकाई में काम करना होता है, जिसपे जोड़ना है उसी सेम इकाई में जोड़ना होता है, ये गलती करता है बच्चा ध्यान रखना, तो वो गलती तो मैं नहीं करनी, ठीक है डियर। तो इसमें रख दिया माइनस टी, टेम्परेचर कितना दे रखा है, तो 300 केल्विन टेम्परेचर आ गया, ठीक है जी। डेल्टा एस कितना दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है 20, लेकिन ये भी कैलोरी में दे रखा है, कैलोरी पर केल्विन में दे रखा है, केल्विन से केल्विन तो कट जाना है, लेकिन अपने को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा 1000 के डिवाइड लगा के, ठीक है। अब वैल्यूज को सोल्व कर लेते हैं, सारी वैल्यूज को 2.1 लास्ट में किलो कैलोरी लगा दूंगा, ठीक है। प्लस ये कितना आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 3 = 12, 1.2 हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, ये 1000 तो इससे कट जाएगा ना, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ये आ जाएगा 6, माइनस का हो जाएगा 6, और इकाई सारी एक साथ लिख देता हूँ किलो कैलरी, ठीक है जी भाई जी। ये हो गया 2 × 3, 3.3 - 6, तो ये आ जाएगा 2.7, वो भी माइनस का 2.7 किलो कैलरी। आगे बात समझ में, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.7 किलो कैलरी। तो ये लास्ट अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया सेकंड। उसके बाद चलते हैं 96 पे। अच्छा, इसके बाद अपना कंप्लीट है मामला। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा लेक्चर बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है डियर। इसमें हर एक बात अपन ने अच्छे से डील की, पेपर में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं उसी टाइप के, जो पिछले 5-7 सालों में क्वेश्चन पूछे गए उसी टाइप के क्वेश्चन है, पेपर हार्ड नहीं है, लॉजिकल है, चीज़ें गलती की है वो गलतियाँ यहीं करनी है, वहाँ नहीं करनी, जहाँ मेन एग्जाम है यहाँ गलतियाँ कर लो, ठीक है। तो बहुत अच्छा पेपर रहा, उम्मीद करता हूँ आगे भी अच्छा पेपर हो आपका।
ठीक है, आपने देखा बहुत अच्छा लगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा जो कमेंट करें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय सी एल सी। हाँ बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन नंबर 74 दे रखा है, करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड, आपको कंपाउंड जो दिया है उसका करेक्ट आईपीएससी नेम आपको बताना है, ठीक है। तो इस कंपाउंड में अपन नंबरिंग कहां से करेंगे बेटा, 1, 2, 3, 4 लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करना है, जिसमें क्या होता है कि सब्सटेंट जो होते हैं ओके, उनको जो नंबर मिलते हैं उनके टोटल का क्या है, उनका टोटल क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए ओके। तो इधर से चलें तो बेटा क्या हो गया, 1, 1, 3, और अगर यहाँ इसको 1 दें तो 1, 2, 3, 3 हो गया ना, तो 1, 3, 3, 7 हो गया, और ये क्या होता है 5 है। तो अपन बात करें तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6, तो 3 पे क्या आ रहा है इथाइल, और 1, 1 पे क्या आ रहा है डाइमिथाइल, तो 3 इथाइल 1, 1 डाइमिथाइल, और ये क्या बेटा साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा राइट होगा, ध्यान रखना सेकंड ऑप्शन क्या होगा राइट, फर्स्ट में 1 इथाइल है नहीं होगा, इसमें ध्यान रखना साइक्लोहेक्सीन है बेटा, दोनों में साइक्लोहेक्सीन है, और साइक्लोहेक्सीन कब आएगा जब डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो साइक्लोहेक्सीन आपका नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा आपका सेकंड। नेक्स्ट चले बेटा क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, आपको दे रखा है विच मेथड इज यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल के जो डिफरेंट फ्रैक्शन है उनको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है डिफरेंस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट पे जब डिफरेंस होता है तो उसके लिए जो मेथड काम में लेते हैं उसके लिए काम आएगा आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ध्यान रखना कौन सा काम आएगा बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम लेते हैं, प्रभाजी आसवन काम होगा, ठीक है बेटा। चले नेक्स्ट 76, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर गिवन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसमें आपको स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है, न्यूट्रल कंपाउंड्स होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर अपन क्या देखते हैं चार्ज देखते हैं, तो इसमें ये जो कंपाउंड दे रखा है आपको वो न्यूट्रल कंपाउंड देख लीजिए, स्टेबिलिटी इसका मतलब फर्स्ट कंपाउंड की, इन पे चार्ज है दोनों पे, तो फर्स्ट कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा ज्यादा होगी। अब इसमें देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, यहाँ ठीक है, यहाँ देखिए तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आ रहा है पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आ रहा है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सबसे, ठीक है, तो इसमें आंसर देखिए कौन सा आता है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या होगा राइट होगा, सबसे ज्यादा न्यूट्रल कंपाउंड की, फिर ऑक्सीजन नेगेटिव और फिर ऑक्सीजन पॉजिटिव वाले, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी के लिए, सी डबल बॉन्ड सी के लिए, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी के लिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछिए आपको, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी है तो ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो 348 किलो जूल होती है, डाटाबेस क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी में दे रखा है, याद रखना, जैसे बॉन्ड एंगल पूछते हैं ना बॉन्ड लेंथ पे उस लेते हैं बॉन्ड एंगल पूछ लेते हैं उसी तरह, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना होता है 348, डबल बॉन्ड के लिए बेटा होती है 681 किलो जूल पर मोल इन, ठीक है, और आपकी जो ट्रिपल बॉन्ड की होती है वो होती है 823 किलो जूल मोल इनवर्स, ये होता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी है, तो ऑप्शन होगा आपका 823 किलो जूल, ये 523 किसी की नहीं है भैया, ठीक है, और ये आपकी किसकी है सी डबल बॉन्ड सी की, नहीं सॉरी सी सिंगल बॉन्ड सी की, और ये किसका सी डबल बॉन्ड सी का, और ये आपका सी ट्रिपल बॉन्ड सी का, तो आंसर आपका क्या होगा थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट चले, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विथ एन इलेक्ट्रोफाइल, आपको क्या करतानी है रिलेटिव रिएक्टिविटी बतानी है इलेक्ट्रोफाइल के कंसेप्ट में, तो रिएक्टिविटी बतानी है तो कंपाउंड आपको क्या क्या दे रखा है बेटा, एक तो दे रखा है टोलुइन C6H5CH3, दूसरा आपको दे रखा है CH3 दे रखा है, साथ में NO2 भी दे रखा है,
ठीक है, और थर्ड आपको दे रखा है, दोनों जगह आपको यहां क्या दे रखा है, NO2 दे रखा है। और इलेक्ट्रोफाइल के कंसेप्ट में ध्यान रखना, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कब होगा, आपको ध्यान है, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, जब आपकी बेंजीन पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब मैक्सिमम होती है, प्लस एम प्लस आई प्लस एच इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। माइनस एम माइनस एच माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो सी एस थ्री है, सी एस थ्री तीन हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हो गए ना, थ्री क्या हो गए, थ्री अल्फा हाइड्रोजन, तो ये कौन सा प्लस एच इफेक्ट दे देगा, राइट, प्लस आई भी दे रहा है, साथ में क्या दे रहा है, प्लस एच भी दे रहा है। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ये दे रहा है बट NO2 आपका माइनस एम वाला है तो ये डिक्रीज भी कर रहा है। और यहां दोनों ही आपके कौन से है बेटा, माइनस एम वाले, तो बेंजीन को रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी, बेंजीन रिंग पे, यहां इससे कम किस पे होगी, यहां NO2 जुड़ा हुआ तो माइनस एम साथ में उसको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और यहां दोनों ही आपकी बेंजीन रिंग को क्या कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड, ऑप्शन क्या, अच्छा डिक्रीजिंग में पूछा है ना, तो ए बी सी, ए बी सी, ए की सबसे ज्यादा, बी की कम और सी की, तो आंसर होगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैस दैट इज नॉट कॉमन कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सी गैस उसका कॉम्पोनेंट नहीं है, तो ध्यान रखना बेटा, एक्रोलिन भी है, राइट, फॉर्मेडिहाइड भी होता है, सही है, और पर एसिटिल नाइट्रेट भी होता है, पीएन का मतलब होता है पर एसिटिल नाइट्रेट भी होता है। सीएफसी आपके नहीं है, सीएफसी तो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, तो सीएफसी आपका नहीं है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन भी क्या होगा, आपसे पूछा ना घटक नहीं है, है ना, कॉम्पोनेंट नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा, सीएफसी होगा, ये आपका क्या नहीं है, फोटोकेमिकल स्मोक का, ओके, तो आंसर क्या होगा, सीएफसी। ये तीनों आपके फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं, एक्रोलिन, फॉर्मेल्डिहाइड और पर एसिटिल नाइट्रेट, तीनों आपके फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं, ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, सीएफसी आंसर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको एक कंपाउंड दिया है और उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, Br2 के साथ, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो Br2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराओगे, देखो यहाँ NO2 दे रखा है साथ में, ओके, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और साथ में आपके क्या CH2 CH3 दे रखा है, इथाइल बेंजीन, ओके, तो आपको क्या है, कौन सी रिएक्शन करवानी है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, राइट, तो यहाँ कहाँ अटैक होगा, ये पूछ रहा है कि जब ब्रोमिन के साथ रिएक्शन करवाएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो Br का कहाँ पे अटैक होगा, तो ध्यान रखना सनलाइट के प्रेजेंस में इसका एलिलिक पोजीशन पे अटैक होगा, और एलिलिक पोजीशन कौन सी होती है आपकी, ये वाली सी एच, ओके, तो यहाँ से एच रिमूव होगा, और एच रिमूव होने के बाद, एच रिमूव होगा और एच रिमूव होने के बाद किसका अटैक होगा, Br का, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा बेटा, सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, नेक्स्ट चलें, यहाँ नहीं हो सकता, ध्यान रखना Br इस पोजीशन से नहीं जाएगा, हाँ दूसरा आपसे क्या है, यही कंपाउंड पूछा है ना, और मेटा पे होगा नहीं, ऑर्थो पे स्टेरिक इंटरेंस हो जाएगा, इसलिए ऑर्थो पे अटैक नहीं होगा। चले एटी वन, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द फॉलोइंग, इनकरेक्ट ऑर्डर बताना रिएक्टिविटी का, गलत ऑर्डर आपको सेलेक्ट करना कौन सा है रिएक्टिविटी का। यहां मैंने दिया है SN2 के कंसेप्ट में, SN2 का आपको ध्यान है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, तो ये किसके लिए होता है, SN2 के लिए, ओके, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड में, ये किसके लिए होता है, SN1 में, आपको इतना ध्यान है SN1 में कार्बोटेन बनता है, 3 डिग्री कार्बोटेन ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। यहां 1 डिग्री बैक साइड अटैक होता है, स्टेरिक इंटरेंस कम होगा, ठीक है, तो 1 डिग्री क्या कंपाउंड की क्या होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। आपको ये दिया है, ये कौन सा दिया है 2 डिग्री, और ये कौन सा दिया है 3 डिग्री, तो 2 डिग्री ज्यादा 3 डिग्री कम किसके कंसेप्ट में, SN2, तो ये क्या हो गया, सही है, ध्यान रखना, है ना। फिर दिया यहाँ पे, ये आपको क्या हो गया 2 डिग्री, ये क्या हो गया 1 डिग्री किसके कंसेप्ट में,
आपको दिया है SN1 के कंसेप्ट में, तो SN1 के कंसेप्ट में 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री ज्यादा होगा कंपेयर टू 1 डिग्री, तो ये भी सही है। ठीक है, यहां आपको दिया है देखें तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया ना, और किसके कंसेप्ट में दिया है SN2, तो 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री ज्यादा होना और 2 डिग्री कम होना चाहिए, तो यहां 1 डिग्री तो क्या है कम है और 2 डिग्री ज्यादा है, तो ये गलत हो गया, ध्यान रखना ये गलत हो गया। यहां दिया आपको आयोडीन और क्लोरीन SN1 के, तो SN1 हो या SN2, ठीक है आयोडीन का साइज क्या होता है बेटा बिग साइज की होती है ना, तो आयोडीन का साइज बड़ा होता है इसलिए वो इजी वे ब्रेक होगा, तो ध्यान रखना आयोडीन चाहे SN1 हो चाहे SN2 आयोडीन जल्दी ब्रेक होगा कंपेयर टू किससे Cl से, तो ये सही है। तो गलत पूछा ना, तो गलत कौन सा होगा, तो आपका थर्ड आंसर गलत है, इसकी ज्यादा होनी चाहिए ध्यान रखना, इसकी ज्यादा होनी चाहिए इसकी कम होनी चाहिए, तो इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा आपसे, इनकरेक्ट ऑर्डर आपका आंसर थर्ड आएगा, ध्यान रखना आंसर क्या आएगा बेटा थर्ड आएगा। नेक्स्ट दिया आपको मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल इथेनोइट, मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल इथेनोइट, तो फिनाइल इथेनोइट तो ही होता है CH3COOC6H5, ये होता है ना फिनाइल एथेनॉइड, तो गिव द मेजर प्रोडक्ट, और इसको इस तरह लिखें तो ये बेंजीन, अब बेंजीन से देखो यहां पे क्या है एड है बेटा ओ और ओ के बाद में क्या है CO CH3, ये होगा उसका मोनोनाइट्रेशन करवाना है और मेजर प्रोडक्ट बताना है मोनोनाइट्रेशन करवाने पे, तो मोनोनाइट्रेशन करवाएंगे नाइट्रेशन के क्या होता है NO2 प्लस का टेक होगा, ठीक है। अब ये आपके आपको ध्यान है ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग हो गया, ऊपर वाला ये ग्रुप कौन सा हो गया बेटा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, तो या तो ऑर्थो बन सकता है या क्या बन सकता है पैरा, ठीक है ऑर्थो में ये इसके क्या करेगा स्टेरिक इंटरेंस करेगा ऑर्थोपैरा क्या होगा माइनर, तो मेजर पूछा है तो मेजर पूछा है तो आपके यहां तो मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा पोजिशन पे, मेटा बनेगा नहीं, मेटा बनेगा नहीं, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा पैरा होगा, तो यहां देखो ये मेटा है नहीं होगा, ये ऑर्थो है नहीं होगा। अब यहां और यहां देखना है इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहां बेंजीन पे OCOCH3 है और यहां जो बेंजीन पे दे रखा है वो COCH3 दे रखा है COOCH3, अगर इसका नाम देखें तो ये मिथाइल बेंजोएट है जबकि अपन को फिनाइल इथेनोएट लिखना है, डिफरेंस है बेटा देखो यहां किससे जुड़ा हुआ है ओ से, यहां किससे जुड़ा हुआ है सी से, ठीक है तो ये मिथाइल हो गया, इसका IUPAC नेम लिखे तो ये मिथाइल और ये बेंजोएट हो गया, ध्यान रखना ये क्या हो गया मिथाइल बेंजोएट की स्ट्रक्चर है, और जबकि अपने को चाहिए क्या फिनाइल इथेनोइट, तो फिनाइल इथेनोइट की ये स्ट्रक्चर, तभी मैंने यहां स्ट्रक्चर लिखी है ये वाली OCOCH3, तो OCOCH3 और उसके पैरा पे आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ राइट हो जाएगा, ध्यान रखना ठीक है आंसर फोर्थ आपका क्या होगा राइट होगा। चले नेक्स्ट दिया, अच्छा क्वेश्चन है ए दिया आपको उसका मर्क्यूरेशन करवाना है, मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन दोनों ही है, रिएक्टेंट ए का पता करना है, रिएक्टेंट ए का पता करना है, अगर आपको उसके मैकेनिज्म आती है तो मैकेनिज्म यही तो होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2 कोई भी एल्किन लेते हैं फिर मर्करी एसिटेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं क्या बनेगा बेटा CH2 HgOAC का होल ट्वाइस है ना HgOAC ये बनता है ना, ठीक है। अब फिर बाद में यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, इस पे किसका टेक होता है OH का, तो ये क्या बनता है OH CH2 यहां HgOAC और फिर रिडक्शन होता है ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या बनता है OCH2CH2CH3 यही तो बनता है, ठीक है। अब इसमें देखें अपन को जहां डबल बॉन्ड है वहां पे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, तो कहां का बन सकती है आपको ये दे रखा है तो यहां HG आ सकता है, ठीक है या यहां HG आ सकता है या यहां HG आ सकता है या यहां HG आ सकता है राइट, ठीक है HG के साथ OAC भी तो होगा ये तो होगा, ठीक है भाई आप किसका करवा रहे हो मर्करी एसिटेट का टेक करवा रहे हो ना, तो वहां से आता क्या है HgOOCCH3 पॉजिटिव उसका ये टेक होता है, ठीक है वो अपना पाई ये अपना पाई इसको देगा यही तो है।
अब फिर क्या होता है, आप यहां से बॉन्ड ब्रेक कराओगे, ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक कराओगे तो इस पे किसका टेक हो जाएगा, OH का, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां किसका टेक हो जाए, H का, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये बन जाएगी, राइट, इसका करवाओगे, ठीक है, तो यहां अटैक किसका होगा, OH का, यहां H का, तो यहां OH है ही नहीं, देखो यहां पे OH है क्या, नहीं है, तो ये नहीं है, और यहां करवाओगे तो इस पोजिशन पे OH आएगा, तो यहां नहीं है, और यहां करवाओगे तो इस पोजिशन पे OH आएगा, तो ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट होगा, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलें, एटी फोर देर का, आपको एक कंपाउंड दिया है जिससे आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, और आपको अक्स बताना है, अक्स बताना, देखो इसमें डबल बॉन्ड आपका सेम है, चेंजिंग नहीं हो रहा, सी एन का सी एच ओ, पहली बात तो एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में आपको देखा है एनसीईआरटी में, सीधा सा यार, कि सी एन को अगर सी एच ओ में चेंज लेते हो क्या काम आएगा, डाइबेल काम आएगा, किससे होता है, डाइबेल, ठीक है, हाइड्रोजन से होता है, एच टू निकल प्लेटिनियम से करवाएं तो डबल बॉन्ड का भी हो जाएगा, ध्यान रखना, सी एच टू बन जाएगा, जबकि यहां नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाएं, ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसका क्या बनेगा, साइनाइड का CH2NH2 बनता है, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएं तो साइनाइड का क्या बनेगा, CH2NH2, यहाँ CH2NH2 नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं है, डाइबेल से करवाएं तो डबल बॉन्ड का होगा नहीं, ठीक है, और साइनाइड का कराओगे तो किस में हो जाएगा, CHO में, आपका आंसर थर्ड हो जाएगा, ये डाइबेल है आपका, ठीक है, सोडियम एथेनॉल के साथ कराते हो तो सोडियम एथेनॉल से तो किसका होता है, CHO का, किस में चेंज हो जाता है, CH2OH में, तो ये भी नहीं होगा, तीन ऑप्शन नहीं होंगे, आपको रिएजेंट बताना है, आपका रिएजेंट क्या होगा, डाइबेल, ठीक है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आप इसका रिडक्शन कराओगे तो साइनाइड किस में चेंज होता है, CH। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द पीके ऑफ एन एसिड जी CH2CWH will be maximum if G is, ये कह रहा है कि आपको दिया है CH2CWH और यहां पे कोई ग्रुप ऐड किया है, अगर इन चारों में से कोई सा ग्रुप रख दे, ये G की वैल्यू है NO2CF3CN और I, ठीक है, अगर इन G की जगह इसको रख दे, इन चारों को, तो जो आपका रख लेते हैं जैसे NO2CH2CWH, दूसरा क्या बना CF3CWH, एक क्या बनेगा साइनाइड CH2CWH और एक क्या बनेगा ICH2CWH, ये लीजिए जी की वैल्यू रख दी। अब ये कह रहा है कि जो चार एसिड बने हैं इन चारों एसिड में PKa की जो वैल्यू है, ठीक है, कब मैक्सिमम होगी, कौन से की मैक्सिमम होगी, और PKa की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो ध्यान रखना एसिडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी ना, अगर PKa ज्यादा होता है तो एसिडिटी क्या होती है, उसकी कम होती है। अब एसिडिटी किसकी कम होगी वो देखो आप, तो ये सारे आपके, ये भी माइनस आई वाला है, ये भी माइनस आई वाला है, ये भी साइनाइड माइनस आई का और ये भी आपका माइनस आई का, तो माइनस आई वाला अगर आपको ग्रुप वाला ऑर्डर याद है तो भाई साहब ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, उसमें क्या है सबसे ज्यादा कौन होता है CF3, फिर NO2, फिर साइनाइड, फिर आयोडीन, तो आयोडीन आपके सबसे कम होता है माइनस आई इफेक्ट में, इन चारों में सबसे कम जो माइनस आई इफेक्ट है वो किसका है, इसका, और एसिडिटी माइनस आई की क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी, तो ध्यान रखना आयोडीन वाले ग्रुप की एसिडिटी क्या होती है, यहां सबसे कम होगी इन चारों में कंपेयर टू इन तीनों के, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसी का पीके सबसे ज्यादा होगा, तो आंसर यहां पे आपका हो जाएगा फोर्थ आयोडीन, ठीक है, जी की वैल्यू यहां क्या होगी, आई। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आपको दे रखा है, हा नेक्स्ट आपको दे रखा है 96 पे, पार्ट टू में 96 पे क्वेश्चन है, आपको बेंजिल क्लोराइड दे रखा है, बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H5CH2Cl, ये बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मूला है, साथ में NH3 के साथ रिएक्शन दे रखी है, तो NH3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसका क्या जाएगा H, इसका Cl, तो बेंजिल एमीन बन जाएगी, तो ये बन गया C6H5CH2NH2,
ये आपका ए हो गया। फिर आप किससे रिएक्शन कराओगे, दो मोल आपको सी एस थ्री सी एल दे रखा है, तो यहाँ से सी एल जाएगा, यहाँ से एच जाएगा, तो दोनों मोल आपके क्या निकल जाएंगे, यहाँ से एच सी एल बाहर, तो आपका बन जाएगा सी सिक्स एच फाइव सी एस टू, ये सी एस टू रहेगा ध्यान रखना, और फिर एन, और एन पे क्या आ जाएंगे दो सी एस थ्री, तो ये बन जाएगा एन एन डाई मिथाइल बेंजिलमीन, क्या बनेगा एन एन डाई मिथाइल एन। अब देखो ये किससे मैच कर रहा है, यहां देखो यहां सी एस टू नहीं है, सी सिक्स एच फाइव के बाद एन है, जबकि यहां अपने सी सिक्स एच फाइव के बाद क्या है सी एस टू है ना, तो ये नहीं होगा, सी सिक्स एच फाइव के बाद एन, ये नहीं होगा, सी सिक्स एच फाइव के बाद सी एस टू, एन पे दोनों मिथाइल, आंसर यही होगा, सी सिक्स एच फाइव के बाद यहाँ पे सिंगल है, यहां मैंने दो मोल पूछे और यहाँ सिंगल मोल, तो ये नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड आंसर हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल बेंजालमीन। आपको एक कंपाउंड दिया है और उस कंपाउंड की रिएक्शन करवा रहा है, ध्यान रखना मेटल की प्रेजेंस में आपको दे रखा है, सॉरी एसिडिक प्रेजेंस में आपको मेटल दे रखी है, और एसिडिक प्रेजेंस में जब आप मेटल के साथ कराते हो रिडक्शन है, ठीक है, टोटल सिक्स हाइड्रोजन काम आते हैं, कितने हाइड्रोजन काम आते हैं बेटा सिक्स, एनओ टू आपका एन एस टू में चेंज हो जाता है, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा आपका ये बन जाएगा, ये सी एस थ्री, ये बी आर, और NO2 का रिडक्शन होके बनेगा NH2, ठीक है, दोनों ऑक्सीजन के साथ चार हाइड्रोजन 2H2 निकल जाएंगे और दो हाइड्रोजन का एस्पार्टिक होता है, तो ये एमीन ग्रुप में चेंज होता है। फिर ये जो रिएजेंट दे रखा है वो डाइएजोटाइजेशन का है, किसका बेटा डाइएजोटाइजेशन का, इससे क्या बनेगा आपका NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराते हैं तो HNO2 बनता है, और फिर HCl के साथ कराओगे तो यहां से देखो क्या जाएगा H H और H H2O बाहर निकल जाएगा, तो N N और Cl तो N2Cl बन जाएगा, ये बन गया आपका N2Cl, डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया, यहां CH3 रहेगा, यहां Br रहेगा, ठीक है। अब डाइएजोनियम क्लोराइड की बात करें तो यहां देखो रिएक्शन करा रहा है C2H5OH के साथ, और C2H5OH का आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, तो ऑक्सीडेशन करवाते हो तो भाई साहब ये देखो ये तो आपका C2H5OH, यहां से H चला जाए H जाएगा, तो ये खुद तो किसमें कन्वर्ट हो गया सी एस थ्री सी एच ओ में, खुद तो किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा सी एस थ्री सी एच ओ में, दोनों एच आपके जो बाहर निकले ये दोनों एच में से एक एच के साथ तो क्या जाएगा सी एल, ये बाहर गया, एन टू गैस के रूप में बाहर, तो एन टू भी बाहर एच सी एल भी बाहर, अब इस पोजीशन पे क्या आएगा ये एच आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा सी, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ बी आर, और यहाँ पे एच काटे हो जाएगा, ये आपका बनेगा C। भाई ध्यान रखना सी एस थ्री सी एच ओ बाहर, दो H बचे, एक H के साथ क्या जाएगा सी एल एन टू गैस के रूप में, तो H आपके यहां टेक करेगा इस पोजीशन पे, तो ये इसका रिडक्शन है, ध्यान रखना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन है, ओके ये C हो गया। फिर C का आप KMnO4 के साथ बेसिक मीडियम में करा रहे हो, तो KMnO4 के साथ बेसिक मीडियम में कराओगे ध्यान रखना सी एस थ्री का, और क्या बन जाएगा सी डब्लू के बन जाएगा, सोल्ट बनेगा उसका, ये बी आर, ये बन जाएगा, ये आपका डी बनेगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या है प्रोडक्ट सी इज, प्रोडक्ट सी पूछा, ध्यान रखना क्या पूछा है सी, तो ये नहीं बनेगा, देखो ये तो उसमें बन रहा है ना डी में भी नहीं बनेगा, ध्यान रखना इसका क्या बनेगा बेटा सोल्ट बनेगा, आपका सेकेंड आंसर होगा सी, आपका ये सी ये है ना, तो ये आपका सेकेंड आंसर होगा, ठीक है। ये जो थर्ड वाला बन रहा है ये ए वाला है, ए वाला बनेगा, ठीक है, और मेटा आपका बनेगा नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक है। टू ब्रोमोटोलुइन ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन आपका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको 98, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर इज, सेमी सिंथेटिक रेयन आपका सेल्यूलोज एसिटेट होता है, सेल्यूलोज रेयन जो आपका होता है वो सेल्यूलोज एसिटेट होता है, ये आपका सेमी सिंथेटिक यही है, ठीक है। सेल्यूलोज आपका क्या है, कौन सा बेटा नेचुरल, ध्यान रखना सेल्यूलोज आपका नेचुरल है, एसिटेट मिलाते हैं उसमें तो रेयन बनता है, स्टार्च आपका नेचुरल है, पॉलीथीन आपका कौन सा है बोलो,
सिंथेटिक है, पॉलीथीन कौन सा है, सिंथेटिक है, तो सेमी सिंथेटिक पूछा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेयन होगा, ठीक है। हाँ 99 इनवर्ट शुगर इज, इनवर्ट शुगर पूछी आपसे, और इनवर्ट शुगर होती है आपकी कौन सी, सुक्रोज, ध्यान रखना। वैसे सुक्रोज को बोलते हैं अपन सुक्रोज, सुक्रोज अपने पास होता है C12H22O11 प्लस H2O, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस कराते तो अपने पास मिलता है क्या, C6H12O6। इनवर्ट शुगर क्यों बोलते हैं, इसको एक चीज ध्यान रखना कि इसका जो म्यूटा रोटेशन होता है वो आपका डी होता है, ठीक है। ये कौन सा रोटेशन शो करती है, डी। बट यहां जो कंपाउंड बनता है, एक ग्लूकोज बना, एक फ्रक्टोज बना, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, ग्लूकोज की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, प्लस 52.5 डिग्री, और इसकी वैल्यू जो होती है वो आती है -92.4 डिग्री, ये होती है। यहां इसका रोटेशन क्या है, डी है, ध्यान रखना क्या है, डी। बट ये जो मिक्सर बनता है, इस मिक्सर की वैल्यू क्या होती है, यहां 52.5 और फ्रक्टोज की कितनी है, 92, तो अगर कट करें तो वैल्यू किसकी ज्यादा है, माइनस की, नेगेटिव हो गया ना। यहां साइन क्या है उसका, पॉजिटिव, ध्यान रखना, डी को अपन पॉजिटिव से लिखते हैं, और यहां साइन अपने को क्या मिल रहा है, नेगेटिव। देखो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, फ्रक्टोज की वैल्यू क्या है, रोटेशन की ज्यादा है, ये प्लस के 52 है और ये प्लस माइनस के 92 है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब -30 ज्यादा हो गया ना, -30 या 40 जो भी है, -40 के करीब ज्यादा हो गया, तो साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रोटेशन चेंज हो रहा है, यहां डी पॉजिटिव, यहां नेगेटिव आ रहा है, तो इसी साइन का चेंज होना, यानी आपकी क्या कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं, ये वो शुगर हो गई, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर बोलते हैं। तो ये जो मिक्सर मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, इसको अपन क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर, किससे मिलता है, सुक्रोज से, तो सुक्रोज आंसर होगा, ठीक है। माल्टोज नहीं होता, लैक्टोज नहीं होता, ग्लूकोज भी नहीं होता, राइट। नेक्स्ट चले, आपसे पूछा है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक पूछा है, बैक्टीरियोसाइडल पूछा है, एक तो बैक्टीरियोसाइडल होता है और एक बैक्टीरियो स्टेटिक्स होता है, ये होता है, दो होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक्स। बैक्टीरियोसाइडल वो होते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, ठीक है, और बैक्टीरियोस्टेटिक्स वो होते हैं जो उनकी ग्रोथ होती है उन ग्रोथ को रोक देते हैं, एक तो मारना होता है और एक ग्रोथ को रोकना होता है। तो बैक्टीरियोसाइडल पूछा है, बैक्टीरियोसाइडल में ध्यान रखना ऑफ्लोकोसासिन है, ऑफ्लोकोसासिन है, एमिनोग्लाइकोसाइड है, पेनिसिलिन है, ये बैक्टीरियोसाइडल है, एमिनोग्लाइकोसाइड, ऑफ्लोकोसासिन और पेनिसिलिन, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन आपकी बैक्टीरियोस्टेटिक्स है, क्लोरामफेनिकोल बैक्टीरियोस्टेटिक्स है, टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टेटिक्स है, ये तीनों आपकी बैक्टीरियोस्टेटिक्स है, बैक्टीरियोसाइडल आपकी कौन सी है, ऑफ्लोकोसासिन, तो ऑफ्लोकोसासिन आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।